हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो फाइनली फाइनली आई एम बैक और आई एम बैक विद अ बैंग विद SHM एंड ऑब्वियसली सबको बता दो दैट नमो सर इज लाइव, हैशटैग नमो लाइव शुड बी ट्रेंडिंग। तो SHM का लेक्चर वन है और आज हम इस खोपरे को है ना फाइनली एक अच्छे यूज पे लेके आएंगे, दैट इज द विग्रस मोशन। सो लेट मी टेल यू द स्टोरी अबाउट दिस खोपरा। दिस खोपरा वॉज किसी पूजा का खोपरा था, बट हमने कभी पूजा नहीं की है, अटेंड जरूर किए। उसके अलावा ये स्प्रिंग एक्चुअली एक मसाजर था, है ना। सो आई व्हेन आई वाज इन पांडिचेरी आई फाउंड दिस एंड आई बॉट दिस। फिर मैंने उसको काटा, एक्चुअली ये राउंड होता है ना, तो उससे मैंने स्प्रिंग बनाई। सो आई थिंक दिस वॉज द परफेक्ट स्प्रिंग फॉर SHM। तो अब हम बहुत सारी चीज़ें डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है आपको, आप सोच भी नहीं सकते उतना मजा आने वाला है, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स टुडे, ठीक है। आज हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। और जैसे कि अभी ये जो मोशन है ना, ये SHM होता है, ये SHM होता है। स्प्रिंग का जो होता है ना, ये परफेक्ट SHM होता है बच्चों, ये जो स्प्रिंग का मोशन होता है ना। और SHM तुम्हारे लिए बहुत ही विजुअल टॉपिक होगा, ट्रस्ट मी। SHM मैंने भी एंजॉय नहीं किया था अपने टाइम में, बट जिस तरीके से तुम करोगे तुम्हें मजा आ जाएगा, एंड दैट इज माई प्रॉमिस, ठीक है। किलर विजुअलाइजेशन की कसम, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ विजुअल्स, है ना। तो जो अर्थ का टनल का प्रॉब्लम था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था, सुनाया भी था, सर वो अर्थ का प्रॉब्लम आपने लास्ट टाइम कराया नहीं था। बच्चों को कुछ होता नहीं है, ट्रस्ट मी, है ना। जिस तरीके से मैंने किया था, तो तुम कभी पूछते भी नहीं मुझे, है ना। इवन ग्रेविटेशन में बच्चों ने बोला था, सर कैविटी वाला प्रॉब्लम ये वो, अरे सब सारी कैविटीज तुम्हारी फिल हो जाएंगी आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सबसे पहले बिगिन करते हैं SHM लेक्चर वन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये होता क्या है, पहली बात हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिससे पहले कि अपन स्टार्ट करें आप माहौल बना दीजिए बच्चों, आप माहौल बना दीजिए। ये मेरा ID है @NamoCall, तुरंत आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप मुझे Unacademy ट्विटर Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और Facebook के मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। एड और #JEE Live Delhi से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए फॉर द नंबर वन टीम इन द कंट्री। इस टीम को सलाम, कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बड़े ना बड़े ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो बेल आइकन बज जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, बी ए पार्ट ऑफ द डिस्कॉर्ड एंड द टेलीग्राम चैनल्स। उसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में बेटा, इस माइक्रो वेबसाइट पे, वेबसाइट है ना, इसको गूगल सर्च मत करना, इस वेबसाइट पे जब आप जाते हो ब्राउजर पे कभी भी livedaily.me/JEE टाइप कर दो विदाउट स्पेसेस, गूगल सर्च मत करना, तो इस वेबसाइट पे ये सब कुछ खुल जाएगा, सारे लेक्चर सारे नोट्स, थोड़ा साइड में DPPs, उसके थोड़ा साइड में स्प्रिंट, एवरीथिंग इज देयर एट वन पेज। JEE Live Daily 1.0, JEE Live Daily 2.0, एवरीथिंग इज एट वन प्लेस। तो अगेन इसको यूटिलाइज नहीं किया तो क्या किया, 9 लाख बच्चे JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इसको रेफर करते हैं यार, ठीक है। उसके अलावा Unacademy सब्सक्रिप्शन का पार्ट बन सकते हो, नमो या नमो लाइव कोड से आप Unacademy को फ्री अनलॉक कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, लाइव क्लास एनवायरनमेंट आपको यहां पे मिलता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, इंडिया की टॉप टीम से पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, कोटा की टॉप टीम्स है, सारे टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री है, जैसे कि DC पांडे सर, महेंद्र सिंह चौहान सर, MSc सर, नरेंद्र अवस्थी सर, एंड 18 प्लस टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, बीट्स, एंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, सब है आपके पास। उसके बाद Unacademy सब्सक्रिप्शन, अगर आपको Unacademy सब्सक्रिप्शन पे आना है तो डेफिनेटली यार यू कैन यूज द कोड नमो या नमो लाइव, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे, ये सबसे ज्यादा रेकमेंडेड है, इसका प्राइस आपको सबसे कम पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, एंड जैसे कि मैं बोलता हूं, जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। इससे आप अनलॉक भी कर सकते हो फ्री प्लेटफॉर्म को, ठीक है, फ्री प्लेटफॉर्म फ्री है, तो अगेन इट वर्क्स लाइक दिस, पहले फ्री है, फिर ये सुपर सेट है, और यार ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस, दिस विल डेफिनेटली टेक यू वेरी हाई, ठीक है। बट YouTube पे सब कवर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, YouTube पे एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन आई गेट, जल्दी से कैन आई गेट 500 थम्स अप्स राइट नाउ, कितने 500 बच्चे देख रहे हैं, कैन आई गेट 500 थम्स अप्स राइट नाउ, और जल्दी से सबको बुला लीजिए। SHM स्टार्ट हो चुका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उससे पहले हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं, बेसिक्स की ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें तुम्हें बहुत हैवी लग रही होंगी, बहुत ज्यादा हैवी लग रही होंगी, बट है नहीं हैवी, ये लग रही होंगी हैवी बट है नहीं हैवी, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये जो चीज मैंने खोपरा मूव कराया था राइट, अब अगर इसी खोपरे पे है ना, अगर मैं इस खोपरे को मूव करा रहा हूं, ध्यान से देखो है ना, और इस पर एक पेन लगा दूं, है ना, पेन लगा दूं, और यार यहां पे एक पेपर है ना, यहां पे एक पेपर को चला दूं एक वेलोसिटी से, तो बेसिकली एक साइन वेव बन जाएगी, ठीक है, एक साइन वेव बन जाएगी, हाँ चल रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा और विजुअलाइज होगा, खाली रटोगे नहीं। और हार्ट्स आते रहने चाहिए यार, ये हमारी फैमिली का सबसे पहला रूल है कि हार्ट्स आने चाहिए। लेट्स एसएचएम गाइस, लेट्स एसएचएम, कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम है ना। ये टू एंड फ्रो मोशन जो है ना, ये आपका ये एसएचएम होता है। ये एक टाइप का तुम कह सकते हो हार्मोनिक मोशन है, बट ये एसएचएम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हाँ इट लुक्स लाइक एसएचएम है ना। तो लेट्स गेट द फील ऑफ एसएचएम, इवन बंजी जंपिंग एंड लुक लाइक एसएचएम है ना, स्प्रिंग वाला मोशन होता है। तो लेट्स डिस्कस। तो यार सबसे प्यारा एग्जांपल एसएचएम का, जब भी तुम्हें एसएचएम विजुलाइज करना हो, ये मोशन आपका एसएचएम का मोशन है, ठीक है। अगर ये आइडियल स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट केएक्स लग रहा है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में 2-2-2-2 होता रहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये 2-2-2-2 होता रहता है, समझ में आ गया। कोई भी बोले एसएचएम बेटा, इसकी याद तुम्हें आ जानी चाहिए, कोई भी बोले एसएचएम मतलब स्प्रिंग वाला मोशन, टंग 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 टंग, इसमें हर बार जब भी फोर्स लगता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। पेरेंट्स वाला प्यार ही है, ठीक है, तुम रूठते हो यहां जाते हो पेरेंट्स की तरफ वापस आते हो, तुम रूठते हो यहां पे जाते हो पेरेंट्स की तरफ वापस आते हो, है ना, वो सबसे सच्चा प्यार होता है, ठीक है, झूठा प्यार नहीं होता वो, ठीक है, क्लियर है, समझ गया, ओके वेरी गुड। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जब भी ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो यार यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जब भी स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है तो यहां पे लग रहा है, इसको मीन पोजिशन कहते हैं। ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, एक तरीके से एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जो बार बार होता है, पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो इन नेचर, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके। और F is equals to minus kx क्यों होता है, F is equals to minus kx क्यों होता है, वैसे बताओ ये क्यों होता है, minus kx क्यों होता है, but better way of writing this is this, better way of writing this is in vector form, कि अगर आपका वेक्टर यहां पे, मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ है तो फोर्स उल्टा लगेगा, ठीक है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ है तो फोर्स यहां लगेगा, समझ गए मेरी बात। तो जैसे अगर आपका एक्स पॉजिटिव है, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है, इसको देखो, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स है ना मीन पोजीशन के अबाउट लगेगा, मीन पोजीशन इज लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आपका एक्स नेगेटिव है, अगर आपका पोजीशन यहां पे है तो एक्स को नेगेटिव डालो तो फोर्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, समझ गए मेरी बात। तो ये फोर्स का देखो, ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है, ये तुम्हें बताता है कि फोर्स कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है। और ये एक लीनियरली इंक्रीजिंग फोर्स है, ये लीनियरली इंक्रीजिंग फोर्स है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्स बढ़ेगा तुम्हारा फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तुम्हें समझ में आ गया था। अब यार एक और एग्जांपल बताइए नमो सर, जहां पे एसएचएम होता है। तो चलो ये तुमने देख रखा था, ये एक एसएचएम होता है, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल है एसएचएम का, ठीक है, ये प्योर एसएचएम है, हमेशा इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा जब मैं एक स्पीकर, अब जैसे मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं, तुम्हें आवाज कैसे आ रही है, यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, मेरी वोकल कॉर्ड्स है, यहां पे वोकल कॉर्ड्स होती है, यहां पे दो कुछ लैरिंग्स होता है ना, एडम्स एप्पल जो है, इसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है, ये तुम्हारा स्पीकर है, ठीक है, ये हमारा माइक्रोफोन है जो सुनता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ह्यूमन स्पीकर है, यहां से मैं एयर को डिस्टर्ब कर रहा हूं कि तुम ये सुन पा रहे हो, मैं कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूं कि तुम ये सुन पा रहे हो, सारे गामा पाधानी सा, डिफरेंट है ना, डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बिंग एयर मॉलिक्यूल्स। मतलब स्पेस में अगर मैं चिल्लाऊंगा तो बेटा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, मतलब अगर तुम लिप रीड कर सकते हो तो फिर वो अलग बात है, बट यार यहां पे अगर तुम एक एक मॉलिक्यूल को देखो, अगर तुम एक एक मॉलिक्यूल को देखो तो यार वो एसएचएम ही कर रहा है, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल को तुम पकड़ लो तो वो एसएचएम ही कर रहा है, इसको विजुलाइज करके देखो, क्या मजा आ रहा है तुम्हें इसको देख के, है ना, वेव्स में तुम्हें पढ़ोगे तो उस टाइम बड़ी याद आएगी एसएचएम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एसएचएम के बिना तुम वेव्स में कुछ हिला नहीं सकते, समझ गए, ये ऐसे 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 हिलता है, ठीक है। तो यार दिस इज लाइक एन ऑसिलेटरी मोशन, और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात, ओके ओके ओके, एसएचएम क्लियर है, दिस इज एसएचएम, ठीक है, एनी मोशन व्हिच इज टू एंड फ्रो एंड व्हिच इज सिंपल, ठीक है। अब सिंपल क्या होता है, सिंपल की भी एक डेफिनेशन होती है, सिंपल की भी एक डेफिनेशन होती है। अब जैसे यार यहां पे फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो माइनस kx था, बट ये माइनस kx क्यूब भी तो हो सकता था, माइनस kx टू द पावर 5 भी हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, दिस कुड हैव आल्सो बीन वन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशंस, मतलब ऑसिलेटरी मोशन। अब यार माइनस के एक्स क्यूब भी वर्क करता है ना, इसमें भी एक्स पॉजिटिव होता, एक्स पॉजिटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव आता, ठीक है, यहां पे एक्स नेगेटिव होता तो ये मतलब समझ गए ना, अगर यहां पे एक्स को एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल दी तुमने, है ना, नेगेटिव डाल दी, समझ गए मेरी बात, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल दी तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे फोर्स आ जाएगा, मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो तुम्हारा फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एफ की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। बट अगर है ना, नाउ दिस कैन नॉट बी एन एग्जांपल, माइनस के एक्स स्क्वायर ये नहीं हो सकता है ना, दिस कैन नॉट बी ऑसिलेटरी है ना, ये क्यों नहीं हो सकता,
सारी पॉजिटिव पावर्स में पंगा है यार, क्योंकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। क्योंकि अगर माइनस के एक्स स्क्वायर, अगर मेरा फोर्स माइनस के एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, जब एक्स पॉजिटिव है तब तो फोर्स यहीं लग रहा है, तब तो फोर्स यहीं लग रहा है, बट जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा, जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा तो देखो तब भी फोर्स नेगेटिव लग रहा है। तो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, तो हो जाएगा कांड, तो ये कांड नहीं कराना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, आई होप सबको मजा आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज किलर विजुअलाइजेशन। और यार ये बेसिकली तुम्हारे एयर मॉलिक्यूल्स भी SHM करते हैं, SHM करते 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 करते, तो बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूं, एक बंदा SHM करता है, एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल मूव करके नहीं जाता, ऐसा नहीं कि मैं एयर तुम्हारे कान में फेंक रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से वॉइस को डिस्टर्ब करता हूं, तो करते 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 तुम्हारा कान का एक ड्रम होता है, कान का एक ड्रम होता है, माइक, ये माइक में भी एक ड्रम है, ड्रम, ठीक है, माइक में भी एक ड्रम है, तो वो ड्रम भी वैसे वैसे रोटेट करता है, तो बेसिकली तुम परसीव करते हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा माइक्रोफोन अलग हो और तुम शायद चिपमक साउंड तो शायद फ्रीक्वेंसी से होता है, बट हाँ शायद तुम कुछ और सुन रहे होगे, तो एवरीवन हियर्स डिफरेंट साउंड्स, अभी तक किसी को पता नहीं और तुम बता भी नहीं सकते, ठीक है ना, समझ गए ना, तुम्हारा कान जैसा है अरिजीत सिंह तुम्हारे लिए वैसा ही है, तो हो सकता है कि, समझ गए ना मेरी बात, ओके क्लियर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट जब भी तुम एक स्पीकर डिस्टर्ब करता है साउंड को, तो यार ये एयर मॉलिक्यूल्स मतलब ध्वनि 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 ऐसे ट्रैवल करती है, ध्वनि कैसे, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, डिस्टरबेंस से, है ना, एक से डोमिनो इफेक्ट सा होता है एक तरीके से, ठीक है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ना बेसिकली अर्थ टनल, ओके, अपने इलॉन मस्क, हु इज नाउ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द ह्यूमन रेस, ठीक है। मैं हमेशा से इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन था, है ना, एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था, मैंने ये कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, मैंने ये जरूर प्रिडिक्ट किया था कि कैरियर मिराटी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आई टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड विद यूट्यूब, आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम पे एक केमिस्ट्री टीचर थे जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, है ना, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने मुझे कैरी मिनाटी का पहला वीडियो दिखाया था, एंड ऑब्वियसली दैट टाइम आई बिकेम अ फैन ऑफ कैरी मिनाटी भाई साहब, है ना, एंड दैट टाइम आई वॉज द टाइम व्हेन आई टोल्ड माई फैमिली ऑल्सो कि यार ये बंदा बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी, मतलब अगेन ही हैज क्वालिटी इन हिज ह्यूमर, या जो भी है, तुम मत देखना उतना ज्यादा, है ना, तुम्हारे लिए है नहीं, ठीक है, ग्राफिक है वो थोड़ा, तो तुम्हें समझ में आ गया, तो दैट टाइम आई न्यू, बट इलॉन मस्क के बारे में आई डिड नॉट नो, बट इलॉन मस्क वाज समवन हु ऑलवेज सेड वन थिंग, दैट डोंट डू एनीथिंग इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। और बेटा हमारा काम पता है क्या है, टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो चलो उसको देखते हैं, है ना। तो यार अर्थ टनल, अब मुझे पता है कि अगर कोई इंसान अर्थ टनल पे काम कर सकता है कि तुम्हें मैं यहां से फेंकूं तो तुम यहां पे पहुंच जाओ, है ना, तुम्हें मैं यहां पे फेंकूं तो तुम यहां पे पहुंच जाओ, ऑब्वियसली बात है यार यहां पे लावा होता है तो तुम यहां से नहीं जा सकते, तो अर्थ टनल की जो बात हो रही है वो कुछ ऐसे होगा, अर्थ टनल कुछ ऐसे होंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अर्थ टनल कुछ ऐसे होंगे कि यार तुम हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो तुम्हें बताओ, अब बताओ अर्थ के टनल पे क्या होगा, अब देखो ध्यान से सुनना, तुम पे एक फोर्स लगेगा, mg, है ना, तो बेसिकली तुम पे एक फोर्स लगेगा, तो तुम यहां तक एक्सेलरेट करोगे, तुम यहां तक गिरोगे, तुम यहां तक एक्सेलरेट करोगे, है ना, ऑब्वियसली ग्रेविटी कम भी होती रहेगी तो एक्सेलरेशन कम होता रहेगा, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि तुम हर जगह से अट्रैक्ट हो रहे हो, उसके बाद तुम रिटार्ड करना स्टार्ट करोगे क्योंकि यू गेट अट्रैक्टेड, जब तुम यहां तक पहुंचोगे तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, यहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो गई, तो यार ऐसा नहीं कि तुम यहां पे गिर जाओगे बिल्कुल, अगर तुम्हें मैंने यहां पे रेस्ट पे छोड़ा तो तुम यहां तक एक्सेलरेट करोगे, फिर तुम यहां पे डीएक्सेलरेट करोगे क्योंकि तुम अगेन यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यहां पे यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ना, तो बेसिकली तुम यहां तक जाओगे और ऑब्वियसली बात है बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वाला फंडे, तो बेसिकली तुम यहां तक पहुंचे फिर वापस से ऐसे ऐसे, क्या तुम ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो बेसिकली अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये भी SHM है, नमो सर ये SHM कैसे है, तो यार ये SHM ऐसे है, देखो सुनो समझाते हैं और इससे तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कभी एज अ स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता ही नहीं था, मैं इस प्रॉब्लम को, मैं यहाँ पे स्प्रिंग डाल देता था, अपन यार यहाँ पे एक स्प्रिंग डाल देते थे, तो अपन जब स्प्रिंग डाल देते थे तो प्रॉब्लम फिर SHM का हो गया, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तुम आराम से निकाल सकते हो, दिस आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, जब तुम SHM कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम इस के की वैल्यू निकाल लेना इस स्प्रिंग की, ये SHM कर रहा है एंड ऑल दैट, तो तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा, आई नो दिस, ठीक है, तो आई होप यू आर विजुअलाइजिंग दिस। तो यार इसमें पता है क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होता है, अगर मैं तुम्हें यहां से फेंकूं तो तुम यहां पे कुछ मिनट्स में पहुंच जाओगे, तो दैट इज हाउ फास्ट इट इज। अभी यार दिस इज फास्टर देन एनी फ्लाइट और एनीथिंग, और कोई फ्यूल भी नहीं जा रहा यार, तुमने तो खाली गड्ढा खोदा है ना, तुमने तो खाली गड्ढा खोदा है, तो तुम बस यहां से यहां पहुंच रहे हो, बस यू आर अज्यूमिंग कि यार यहां पे एयर फ्रिक्शन तुम कम से कम रखोगे, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगा तभी तुम यहां तक पहुंचोगे, नहीं तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स भी लगाने पड़ेंगे, थोड़ा फ्यूल भी जलाना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट, अब क्या पता मतलब अर्थ लूप्स आ जाए, हाइपर लूप्स आ जाए, हो सकता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया से एकदम से कहीं और पहुंच गए, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के डायमेट्रिकली ऑपोजिट कौन सी जगह है, बट हाँ तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है, देन ऑल्सो यू विल ट्रेवल थ्रू लैंड अंडरग्राउंड, क्लियर है। आई होप तुम्हें बात मजेदार लगे, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कूल कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक सो दे शुड ट्राई फॉर अ स्मॉलर कॉर्ड,
बड़ा कॉर्ड थोड़ा लंबा होगा, बट यार पता है मैं अपने लाइफ टाइम में इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, है ना। तो आई मीन ऑब्वियसली वी कैन रिक्वेस्ट मिस्टर इलॉन मस्क और समवन लाइक हिम हु कैन एक्चुअली डू दिस, ठीक है ना। नहीं तो तुम लोग कर देना जब तुम बड़े हो जाओ, है ना। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके चलो, वेरी गुड, है ना। तो इंस्पिरेशन में थोड़े क्रेडिट्स भी दे देना इफ यू गेट इंस्पायर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो यार अब समझ में आ गया ना क्या होता क्या है। तो यार ये भी एक SHM है। ये SHM क्यों है, अब तो मैं समझाता हूँ ये SHM क्यों है, क्योंकि यार ये भी बहुत ही सिमिलर है। तो मैंने बताया था ना, तो मैं देखो देखो ये जो फोर्स है ये लीनियर है, ये लीनियर इन नेचर है। माइनस के एक्स वैसे ही यार अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अर्थ के अंदर मैंने तुम्हें बताया था ना, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है अंदर, है ना, अंदर ग्रेविटी होती है, तो तुम्हें पता है वो लीनियरली यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो, यहाँ पे बीच में होती है g/2, ये लीनियर होती है ना। और यार यहाँ पे कितनी होती है g, तो यार ये बहुत ही लीनियर इन नेचर होती है। तो अगर तुम्हें बेसिकली यहाँ पे एट अ डिस्टेंस x तुम्हें ये फोर्स निकालना है ना, तो यार ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स हो जाएगा तुम्हारा -gm/r³, है ना, इंटू एक्स, यही होता है ना, माइनस, है ना, तो इंटू एम, है ना। तो यार ये तो ग्रेविटी हो जाएगी इंटू एम, तो यार तुम्हें साफ समझ में आ गया ये भी -kx है, तो तुमने वो कांस्टेंट निकाल लिया इसका, ठीक है, इसकी स्प्रिंग का कांस्टेंट तुमने निकाल लिया, ठीक है, समझ गए मेरी बात। यहाँ पे तुम्हारा फोर्स जीरो है, ये तुम्हारी मीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग की तुम्हारी मीन पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, है ना, ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द अर्थ हो गया रेडियस, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यार ये तो बहुत ही सिमेट्रिक सिचुएशन है यार, सर क्या बकवास कर रहे हैं सर अपन, है ना, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो आपको तो ये बात समझ में आ गई कि यार इसका भी फोर्स बिल्कुल वैसे ही है, तो ये भी बिल्कुल SHM ही करेगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके, तो ऑब्वियसली इन खान GS सर स्टाइल ये ससुरा SHM करेगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट आई हैव बिकम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट गाय, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। द गुड थिंग अबाउट दैट सर इज कि वो उनको अगर नॉलेज भी नहीं होती ना, तो भी वो ट्रांसमिट कर देते हैं, एक लेवल तक कर देते हैं, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगेन एवरीवन, उनको अनअकैडमी पे लाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। तो टंग, तो आई एम वर्किंग ऑन दिस बेटा, जो भी आपके सारे टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री है ना, ऑफ द ग्लोब है, वो एक मतलब दैट इज माई ड्रीम कि वो अनअकैडमी पे आ जाए एंड इट बिकम्स अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, ठीक है, इसको फैला देना, ठीक है। उसके अलावा अब यार ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, इसका तो क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें अगर तुमने इसको थोड़ा सा नीचे किया तो ये टंग करता रहेगा, तो दैट मींस इसकी जो फ्री सर्फेस का जो एंड है ना, ये SHM कर रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये लाइन को ध्यान से देखो, ये SHM कर रहा होता है। इसमें भी एक अजम्पशन होता है कि तुम बहुत ज्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करते, अगर तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो तो SHM करता है, ठीक है ना। वैसे ही अब यार तुम्हें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, वैसे ही, अरे कहां गया वो, अरे वो, हाँ रुको, पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ SHM, है ना। पेंडुलम का टाइम पीरियड भी हम SHM से ही निकालेंगे। जैसे आप तुम बोलोगे सर क्या ये SHM है, सर ये तो SHM नहीं है, ये तो ऐसे 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 कर रहा है ना, ये SHM है ना, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, तो इसमें भी यही कहते हैं कि अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे इसको, थोड़ा सा, बहुत छोटा थीटा, डी थीटा, है ना, तो ये SHM होता है, ठीक है। उसी से 2π√L/g पता है फॉर्मुला आता है, इट इज नॉट फॉर अ वेरी बिग एंगल, इट इज फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, तो उसमें ये इतना छोटा, इतना ऐसे SHM करता है। तो यार बेसिकली इतनी सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आती है असली बात कि SHM को पढ़ना ना उतना आसान नहीं होता, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स का अगर तुम बुकिश सॉल्यूशन देखोगे ना, मेरा कोई भी सॉल्यूशन ना बुकिश सॉल्यूशन से मैच ही नहीं करेगा, तुम मान ही नहीं सकते। तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए तो तुम मुझे बता देना, वन डॉट होगा मत देखना। बट यार इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात होती है कि तुम ना ये बेसिकली SHM की ना शादी कराते हो UCM से। UCM इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बेसिकली एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी शैडो देखूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इस चीज की शैडो देखूं बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस चीज की ऐसे शैडो देखूं, ठीक है, तो इसकी शैडो SHM करेगी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसकी शैडो, अगर यार यहां पे एक स्क्रीन होती, तो इसकी जो शैडो है ना वो SHM कर रही होती। अभी इसकी शैडो यहाँ पे है, अभी इसकी शैडो थोड़ी यहाँ पे आ गई, अभी इसकी शैडो यहाँ पे आ गई, अभी नीचे है, नीचे ऐसे शैडो ऐसे ऐसे करेगी। विजुलाइज कर लो, इसकी शैडो SHM करेगी, है ना। और इसकी शैडो पे ही हमेशा ये है, ये भाई साहब इसकी शैडो पे ही है। क्या तुमने इसको विजुलाइज कभी किया है? नहीं किया है तो थोड़ा ट्राई करते हैं आज हम, है ना। तो यार उसके लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना थोड़े से कारनामे करने होंगे यहाँ पे, तो बेयर विद मी, थोड़े कारनामे करने होंगे। तो यार ये हमारा SHM वाला भाई साहब है, ठीक है, ये SHM वाला भाई साहब है, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज सी दिस, ये तो परफेक्ट SHM है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। बट
क्या हम इस चीज को देख सकते हैं, क्या इस चीज को हम विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नमो सर, इज इट पॉसिबल? तो लेट मी सी यार, मेरे सामने एक लाइट है, ठीक है, इस लाइट को बंद करते हैं और इस लाइट को ऑन करते हैं। अब तुम मुझे देख नहीं सकते, ठीक है, अब तुम मुझे देख नहीं सकते, तो यार एक काम करता हूं, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराता हूं इस चीज से, ठीक है, इस चीज से। अब तुम ये देख नहीं पा रहे हो, रुको एक मिनट, लेट मी ट्राई कि तुम इस शैडो को देख पाओ या नहीं देख पाए, पाओ इसको ट्राई करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तुम इसकी शैडो देखो, ठीक है, अगर तुम इसकी शैडो देखो, खाली स्क्रीन पे, स्क्रीन पे शैडो देखोगे तो वो शैडो SHM कर रही होगी, या अगर तुम इसको खाली है ना 3D में नहीं देख रहे हो, तो तुम बेसिकली तुम इसको ऐसे देखो, खाली इसको, खाली 1D में सोचो, इसको 1D में सोचो, हाँ ऐसे देख लो, इसको 1D में सोचो, क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है इसको? तुम्हें, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा तो तुम्हें दिख जाएगा कि यार ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट अगर मैं तुम्हें इसको साइड से दिखाऊं, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल परफेक्टली साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम्हें वो SHM दिख रहा है? तो तुम्हें मुझे, हाँ ऑब्वियसली बात है यार, तुम तो 2D डिवाइसेस पे देख रहे हो, तो एक तरीके से SHM है, बट हाँ बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पा रहा मैं इसको, हाँ बट हाँ तुम समझ गए, तुम समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। तो यार इनकी जो शादी होती है ना, इससे तुम हर एक सवाल कर सकते हो और बहुत ही सिंपल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलो, शैडो की जरूरत नहीं है, वी यूज टेक्नोलॉजी, तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? हाँ या ना बोलो, और हार्ट्स आते रहने चाहिए, और इसको शेयर करते रहो, शेयर करते रहो विद द हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो दिस हैशटैग JEE Live Daily, हैशटैग सारा इंडिया पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, चलो है ना, और SHM करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स SHM मोर, कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो मुझे तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए बट बता देते हैं। मान के चलते हैं कि यार हमारे साथ ना वैशाख नंदन बैठे हैं, वैशाख नंदन मतलब गधा संस्कृत में गधा होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके। संस्कृत में हर चीज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कुत्ते को श्वान बोलते हैं, ठीक है, और गधे को वैशाख नंदन बोलते हैं, ठीक है। तो अज्यूमिंग दैट वी आर ऑल वैशाख नंदन, है ना, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो एक पीरियड के बाद, है ना, लेट्स से दैट पीरियड इज वन सेकेंड, हर सेकेंड के बाद टंग 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 होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है ना, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली, है ना, पीरियोडिकली इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिकली मतलब एक पीरियड में, दैट पीरियड कैन बी वन सेकेंड, दैट कैन बी टू सेकेंड, इट इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब जैसे कि, अब यार ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन जैसे कि टंग 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 टंग, पीरियोडिक मोशन हो गया ना, पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना, ये एक अजीब सा पीरियोडिक मोशन, मैं पीरियोडिकली ऐसे ऐसे तेरे को परेशान कर रहा हूँ ना, तेरे सर पे लग रही है, ठीक है, दिस इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके। इट कैन बी एनीथिंग, इट मे बी टू एंड फ्रो, इट माइट नॉट बी टू एंड फ्रो, ठीक है, समझ गए, बट इट इज पीरियोडिक इन नेचर, अ मोशन विच कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ कंटिन्यूअसली, है ना, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम विच इज द पीरियड, है ना, द स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है, इफ, है ना, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि 2 seconds के बाद रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 seconds, रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 seconds, लेट्स से, ठीक है, रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 seconds, लेट्स से, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और सिंपल पेंडुलम का तो तुम्हारा, तुम देख लेना, मैंने कभी रटा नहीं था, तो है ना, 1 second 2 second जो भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तुमने क्या पढ़ रखा है, तुमने क्या पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी, अभी मैं बताता हूं तुमने क्या पढ़ रखा है, अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ और न्यू, ठीक है, ये नया नया पढ़ रहे हो, इसको न्यू ही कहते हैं, NU, ठीक है, न्यू कहते हैं इसको, न्यू, ठीक है ना, समझ गए मेरे को मेरी बात। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ और न्यू, तो न्यू क्या होता है, 1 by time period, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 1 by time period, और अगर ये इन सेकेंड है तो यार ये इन हर्ट्स होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है या साइकिल्स पर सेकेंड, 1 hertz is 1 cycle per second, इसका मतलब क्या है, अब देखो इन सबका टाइम पीरियड सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, देखो इन पेंडुलम, ये तीनों पेंडुलम की, है ना, तीनों पेंडुलम का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बट एक साथ दोनों सबके सब यहाँ पे पहुंचते हैं, एक साथ अपने मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, एक साथ मेन पोजिशन पे वापस आते हैं, तो इन तीनों पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, समझ गए ना मेरी बात, है ना, समझ गए मेरी बात। अब जैसे कि अगर एक पेंडुलम हो रहा है टंग 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 टंग, है ना, तो बेसिकली 1 second में अगर ये 10 बार ऐसे टंग 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 10 cycle कर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 10, मतलब 1 second में 10 बार अपना मोशन रिपीट कर लेता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाफ भी हो सकती है, क्योंकि अगर लेट्स से 1 second में आधी साइकिल ही हुई तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, समझ गए मेरी बात, कितना फ्रीक्वेंट है, ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तुम किसी के घर बार बार जाते हो, अरे बहुत फ्रीक्वेंटली है ना, तो बेसिकली तुम्हारा रिस्पेक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, तो समझ गए ना मेरी बात, फ्रीक्वेंसी को कम रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है फ्रीक्वेंसी, है ना, हाँ पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है, इज दिस क्लियर, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, ओके, मतलब इतनी, हाँ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब ऑसिलेशन की बात करते हैं, अब यार ऑसिलेशन इज अ स्पेशल केस, है ना, ऑसिलेशन इज अ
स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन टू एंड फ्रो वाला पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। इट इज अ पीरियोडिक मोशन जिसमें टू एंड फ्रो वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अ पीरियोडिक मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे, टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पोजिशन, सॉरी अबाउट अ फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज द मीन पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। SHM में जैसे ये मीन पोजिशन हो गई, टंग 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 टंग, इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो करता है, इसके आगे पीछे मंडराता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। दैट इज द मीन पोजिशन, ओके। मीन पोजिशन इज नॉट योर मीन गर्लफ्रेंड जिसके अबाउट तुम टू एंड फ्रो करते हो, ठीक है। मीन पोजिशन जैसे कि अब ये मीन पोजिशन हो गई है ना, इसकी फोर्स बैलेंस पोजिशन, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, ये इसकी मीन पोजिशन हो गई, अब तुमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो इसकी मीन पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये इसकी मीन पोजिशन हो गई, इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये टू एंड फ्रो कर रहा है, ठीक है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? चलो, और हार्ट्स आते रहने चाहिए और लाइक करते रहो, और एवरीवन आज इंस्टा स्टोरी पे तुम बेसिकली इसको पूरा शेयर कर देना, है ना, विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, विद द हैशटैग किलर विजुअलाइजेशन, विद द हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसको शेयर करते रहना जो भी आपको पार्ट अच्छा लगे, एंड लेट एवरीवन, लेट द वर्ल्ड नो दिस, आगे बढ़ते हैं, है ना, मजा आ रहा होगा तुम लोगों को। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन इन ऑसिलेशन। अब मैं देखो बहुत इंटरेस्टिंग रखने वाला हूँ, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है एक्चुअली, है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले ले यार, है ना। तो इसका क्या इसका एग्जाम्पल ले ले, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी यार ये भी एक मोशन है ऐसा, तो यार इसमें तुम बताओ यहाँ पे मीन पोजिशन पे क्या हो रहा है। मीन पोजिशन पे कम से कम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है यहाँ पे मीन पोजिशन पे, जीरो हो जाती है, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, समझ में आ गई मेरी बात, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो ये बात तो समझ में आ गई ना, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर रही है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे, ठीक है, कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। अब यार इस केस में देखो, है थोड़ा विजुलाइज कर लो, इसको डिटेल में करेंगे आते वाले टाइम में, ठीक है, आज की क्लास में नहीं करेंगे, आज की क्लास में इक्वेशन पढ़ेंगे SHM का इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जल्दी से, अब यार जब ये यहां पे पहुंचती है, जब एवरीवन प्लीज सी, जब ये यहां पे पहुंचती है, ये जो पार्टिकल है ना मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे जब है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब यार तुम इस पॉइंट की बात कर रहे हो, ये जो पॉइंट है ना, ये SHM कर रहा है, ठीक है। इस बड़े से उसको मत देखो, ये बहुत वैसा है, ये पॉइंट मास है एक्चुअली, तो इस पॉइंट को देखो, ये मीन पोजीशन कर रहा है। तो जब ये पॉइंट यहां पे, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, है ना, यहां पे, क्योंकि यहां पे सारी की सारी स्प्रिंग एनर्जी, ये नेचुरल लेंथ है, तो यार यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ये है लाल वाला, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। और यार यहां पे मैक्सिमम, जहां पे एक्स मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके ग्रेट। तो यार जब मैंने इस केस में भी तुम्हें दिखा सकता हूं, तो देखो इस केस में ये तुम्हारी मीन पोजिशन है, ठीक है, ये तुम्हारी मीन पोजिशन है, और मीन पोजिशन से अगर तुम नीचे करते हो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है, फिर यार यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर यार यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है, समझ गए, रुक जाता है, फिर वापस से नीचे आता है, ऐसे 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 होता है। तो यार यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब तुम बेसिकली बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी में तो मुझे स्प्रिंग की भी एनर्जी लेनी पड़ेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है। तो बेटर होता है कि हम हमेशा SHM को इस प्लेन पे देखें, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वैसे वर्टिकल प्लेन पे भी करता है, ये करेंगे डिस्कस, वर्टिकल प्लेन और उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस इलॉन्गेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसमें, ठीक है, दैट्स इट, ओके। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, आई होप यू आर एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, नहीं आई है तो अब आ जाएगी, ठीक है, नहीं आई है तो अब आ जाएगी। अब यार ये एक SHM हो रहा है, कभी भी SHM को विजुलाइज करना, ये इमेज तुम्हारे माइंड में आ जानी चाहिए, ये SHM है, ये इसका फोर्स है, है ना, जो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स है, जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजिशन लग रहा है, देखो ये फोर्स है ना। तो बेसिकली अब तुम देखो, जब है ना, जब ये ऐसे 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 हो रहा है, जब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो दो एनर्जीज तुम्हारे माइंड में है, एक है तुम्हारे पास, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, इसमें तुम्हें ये स्प्रिंग में एनर्जी है, ठीक है। तो अब तुम मुझे एक चीज बताओ यार, क्या तुम मुझे ये चीज समझ पा रहे हो, स्प्रिंग मैक्सिमम, यहां पे नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, तो यार यहां पे मिनिमम, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आई एम अज्यूमिंग कि एक टेबल पे भी पड़ा है, चलो इसको अज्यूम कर लो कि यार ये एक टेबल पे भी पड़ा है, ठीक है, ये एक टेबल पे भी पड़ा है, तो बेसिकली इसकी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसकी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो ये है ना, यू मिनिमम,
है ना। तो बेसिकली लेट्स से दिस इज द डैटम लेवल, ठीक है, इसको तुमने बोल दिया जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, तो इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो बेसिकली ये जीरो लेवल है, तो यार ये तो रहेगी रहेगी, नहीं तो ये ऐसे हो जाता। अगर ये डैटम लेवल होता तो ये ऐसे हो जाता, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यार इस ग्राफ को तुम समझ गए, ये ग्राफ है नहीं वैसे, तुम बाद में फिर से आएगा, ये वापस फिर से आएगा, ये बड़ा है ना मंगता ग्राफ है, फिर से आएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यार यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग एनर्जी जीरो है, और उसके बाद स्प्रिंग एनर्जी बढ़ रही है, फिर यहाँ पे भी बढ़ रही है, कम हो रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है, कम हो रही है ना, समझ गए मेरी बात। बहुत ही सिंपल है यार, है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और अब किसी भी SHM में, किसी भी SHM में इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए एम्पलीट्यूड, ये एक्सट्रीम पोजीशन है एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली ये SHM होता है एक अरीना में, ये SHM का अरीना है, अरीना मतलब ये जगह है जहां पे SHM हो रहा है, अखाड़ा जहां पे SHM हो रहा है, ये टंग 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 ऐसे हो रहा है। तो बेसिकली यार ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ठीक है, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि सारी स्प्रिंग की एनर्जी काइनेटिक में आ गई। फिर यार यहां पे ये रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है यहां पे, ठीक है, और सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग में चली जाती है। तो टंग 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 ऐसा होता रहता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, इसीलिए इसको करेंगे डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और तुम्हें बताएंगे बहुत बड़े प्यार से, ठीक है, बड़े प्यार से। अभी बस इस ग्राफ को समझ लो, है ना, इसको देख के समझ लो, बाद में इस ग्राफ पे वापस आएंगे अपन, ठीक है, ये बात की बातें हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना। और तुम देख पा रहे हो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है, जब ये यहां आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगता है, जब ये यहां पहुंचता है तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे लगता है। ग्राफ को हमने पढ़ लिया है। ये यू मिनिमम क्यों है सर? शायद ये टेबल पे पड़ा है, शायद ये टेबल पे पड़ा है, ठीक है, टेबल पे पड़ा है मतलब यार ये यहां पे कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है विच इज यू मिनिमम, ठीक है, चलो यू मिनिमम। तो बेसिकली अब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या कि जब इसकी यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है तो समझ गए तुम, है ना, यू अंडरस्टूड दिस, वेरी वेरी सिंपल, क्लियर है। ओके, तो यार ये मीन पोजीशन वाला फंडा समझ गया, मीन पोजीशन के अबाउट, यहां पे बढ़ती है, यहां पे फिर से बढ़ती है स्प्रिंग की एनर्जी, तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा होता है, प्याले की तरह ऐसा होता है, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार SHM जब ये होता है ना, ये x में SHM हो रहा है, तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये आपकी मीन पोजीशन है, इसको मैं बोल देता हूं x इज इक्वल टू प्लस है, ये आपकी पॉजिटिव पोजीशन है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये x इज इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है, x एक्सिस पे हो रहा है SHM, और मैंने इसको x इज इक्वल टू प्लस ए कर दिया, इसको मैंने x इज इक्वल टू माइनस ए कर दिया, ठीक है, माइनस ए कर दिया, ये देखो यहां पे, ये इस पॉइंट की बात हो रही है, ये पॉइंट की, ठीक है, समझ गए, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये काले वाले पॉइंट की, ये SHM कर रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके, तो यार ये तुम्हारा x इज इक्वल टू माइनस ए है, ये तुम्हारा x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई है स्प्रिंग की, है ना। बट यार यहां पे यू मिनिमम क्यों है? क्योंकि मान लो तुम एक लेवल पे पढ़ा है यार, जो भी है, समझ गए ना तुम लोग। और वैसे भी अब इसका एग्जांपल भी समझ सकते हो, इसके एग्जांपल में ऑब्वियसली इसमें तो स्प्रिंग एनर्जी, ये नेचुरल लेंथ पे थोड़ी है, mg इज इक्वल टू kx, यहाँ पे फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब ये थोड़ा एलोंगेटेड पहले से है, तो इसमें ऑलरेडी कुछ एनर्जी इनिशियली है। तो एनीवेज ये एग्जांपल तुम्हें ज्यादा ही कंफ्यूज कर देगा, बेटर एग्जांपल ये वाला है, ठीक है, और विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ जाओ तो तुम समझदार हो ही, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो तुमने बेसिकली मेरा एनर्जी विजुअलाइजेशन वाला वर्क एनर्जी पावर मिस कर दिया, तो उसको जरूर देख लेना जाके प्लेलिस्ट में, है ना। चलो, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन तीन टाइप के होते हैं, एक होते फ्री ऑसिलेशन जो होते रहेंगे, कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल फेरी लैंड में हो तुम, है ना, हो जा रहा है, है ना। सो दैट इज योर फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, फ्री ऑसिलेशन जो होता जा रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ऑफ द हिंज नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, होता जा रहा है। एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल है। जब देखो ये प्रैक्टिकल है, असल में क्या होता है, चीजें रुक जाती हैं, डैम्प हो जाती हैं। क्यों होती है डैम्प? है ना, क्योंकि शायद कुछ एनर्जी लॉस हो गई, है ना, यहाँ पे आवाज हो रही है कुछ, है ना, तो एनर्जी लॉस हो गई, आवाज हो रही है, सुनाई दे रही है मुझे, है ना, कुछ हीट लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो बेसिकली नाउ दिस इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो ये डैम्प होगा, धीरे धीरे डैम्प होता रहेगा, थोड़ा डैम्प हो गया, है ना, डैम्पनिंग हो गई, इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ना, देखो अब इतना नहीं जा रहा, थोड़ी देर के बाद ये रुक भी जाएगा, दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, वैसे थोड़ा हिल भी रहा है, ठीक है। एंड दिस इज फोर्स ऑसिलेशन, कि यार तुम इस ऑसिलेशन को कराए जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, ठीक है, यहाँ पे तुम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा रहे हो, है ना। अब नाउ दिस इज अ फोर्स ऑसिलेशन, कि यार पहले ऐसे हो रहा है, अब मैं इसको और ऐसे कर रहा हूँ, दिस इज अ फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है, जहां पे तुम किसी चीज को फोर्स करते हो ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। ओके, अब बात करते हैं फ्री ऑसिलेशन की। ये जनरली वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में होता रहेगा, फॉर एवर होता रहेगा, नो एनर्जी लॉस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो पहले पेंडुलम यहां तक गया, फिर ये यहां तक ही गया, फिर ये यहां तक ही गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसके मोशन को, ये बहुत ही प्यारा सा होगा। पहले ये यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ये यहीं तक गया, है ना, फिर ये जब वापस आएगा तो ये यहां तक नहीं आएगा,
ये यहीं तक आएगा, फिर ये वापस जाएगा, तो यार ये यहाँ तक भी नहीं जाएगा, ये यहीं तक वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, फिर ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो फिर ये लेट्स से दिस इज 60 डिग्रीज, तो ये खाली 50 डिग्रीज तक जाएगा। ये 60 इसने कवर किया, फिर 50 ही गया, समथिंग लाइक दिस। ठीक, समझ गए हो तुम, है ना? यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड कैसे 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 डैम्प हो रहा है। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन और समथिंग, जहां पे एनर्जी लॉस होता है, जैसे कि एयर में तुम ये करा रहे हो, पानी में तुम ये करा रहे हो, तुम्हें समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके कई सारे सवाल तुम्हारे जेई में भी आए हैं और बहुत आसानी से हमने करे भी थे लास्ट क्लास के लास्ट स्प्रिंट में, वो जरूर देख लेना। जेई के सवाल कराए थे उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन के। फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग इज कॉम्पनसेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, डैम्पिंग इज कॉन्सेंट। हाँ, अब देखो इसमें तो यार, इसमें तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोटर लगा रखी है ना तुमने, तुमने एक एक्सटर्नल मोटर लगा रखी है जो तुम्हें हेल्प कर रही है इसमें। ठीक है ना, तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, इसीलिए से कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पार्टी का मदद ले रहे हो तुम इसमें। इज दिस क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। वॉट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? और हमें खाली सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है बच्चों, हमें हार्मोनिक मोशन पढ़ना ही नहीं है, मतलब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, जिसमें इक्वेशन होती है जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, इट्स ऑलवेज अ टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में तुम्हें रख रहा है ना। तो बेसिकली अगर तुम मेन पोजीशन से दूर जाते हो तो फोर्स ऐसे लगता है, देखो ये फोर्स है तुम्हारा, हमेशा मेन पोजीशन घर की तरफ फोर्स। ठीक है, तुम घर से दूर जाते हो, घर वापस से तुम्हें बुला लेता है, फिर तुम और दूर जाते हो, घर वापस से तुम्हें वापस बुला लेता है। तो यार ये तुम्हारा माँ का प्यार है, तुम्हारे पापा क्या क्या है, ठीक है ना, जो तुम्हें हमेशा उनकी तरफ खींच लेता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यार ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना? इसमें धोखा नहीं हो सकता कि खाई से फेंक दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, है ना? इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऐसे लगता है, बट ये फोर्स माइनस के एक्स क्यूब भी हो सकता था, वो भी एक हार्मोनिक मोशन होता, बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। सो नाउ दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर फोर्स होता माइनस के एक्स क्यूब, मैंने तुम्हें बताया था ना एक्स की पार एक्स स्क्वायर क्यों नहीं चलेगा, समझ गए ना मेरी बात? सो दिस इज ऑल्सो अ हार्मोनिक मोशन, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज ऑल्सो अ हार्मोनिक मोशन, ये भी एक हार्मोनिक मोशन है ना? दिस इज अ हार्मोनिक मोशन, बट दिस इज सिंपल वन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कुछ और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये के एक्स की पावर 5। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारे हार्मोनिक मोशंस हैं, बट ये सबसे सिंपल फॉर्म है हार्मोनिक मोशन का। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ तुम्हारा हार्मोनिक इक्वेशन, हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है? हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है माइनस के एक्स की पावर एन, माइनस के एक्स की पावर एन, वेर एन इज एन ऑड नंबर। और यार ये तुम्हारा एस एच एम वाला केस होता है, ये तुम्हारे बहुत सारे हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं, बट जब एन वन होता है तो उसको एस एच एम कहते हैं, उसको एस एच एम कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं तुम्हें समझा देता हूँ यार, ये ऑड ही क्यों लेते हैं ये तुम्हें समझ में आ गया ना? जैसे अगर मैं तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात करूंगा, है ना, ये तुम्हारी मेन पोजिशन है, दिस इज हार्मोनिक मोशन अबाउट दिस एक्स। ठीक है, अगर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो ये तुम्हारी मेन पोजिशन है, तो बेसिकली अगर मैंने एक्स को यहाँ रखा, ठीक है, तो यार लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू है ना सम पॉजिटिव नंबर, +3 ले लो उसको, है ना, +3 ले लो, और यार यहाँ पे लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू -2, है ना, लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू -2, है ना, और तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है फोर्स का, लेट्स से फोर्स इज माइनस के एक्स की पावर 5, है ना, एक्स की पावर 5, अब तुमने लिया माइनस के एक्स की पावर 5 ले लो यहाँ पे, है ना, माइनस के एक्स की पावर 5, तो यार ये भी एक हार्मोनिक मोशन है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है उस हार्मोनिक मोशन का। तो यार बताओ जल्दी से, यहाँ पे फोर्स क्या होगा? यहाँ पे अगर तुम फोर्स निकालना चाहते हो, यहाँ पे तो फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस के, है ना, के इज अ कांस्टेंट, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, है ना, के इज पॉजिटिव, ठीक है, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यार आप देखो माइनस के, और यार यहाँ पे हो जाएगा -2 की पावर 5, तो बेटा फोर्स तुम्हारा पॉजिटिव आया ना, 2 की पावर 5 क्या होगा, 32, तो यार ये कितना हो गया, फोर्स तुम्हारा हो गया माइनस +32 के, है ना, तो तुम्हारा फोर्स यार यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 32 के पॉजिटिव, मीन पोजीशन के अबाउट ही है। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अब एक्स पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है यार तुम्हारा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है ना, अब अगर यार यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ यार यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, लेट्स कॉल दिस फोर्सेस F1, है ना, लेट्स कॉल दिस फोर्सेस F2, F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा तुम्हारा K × 3 की पावर 5, ठीक है, K × 3 की पावर 5, समझ में आ गया, है ना, तो यार ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 5 के,
समझ गए ना, यहां पे लग रहा है, तो यार ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। बट अगर x की पावर, अगर इस फॉर्मूले में x की पावर ऑड हो गई तो पंगा हो जाएगा, ऑड हो गई ना, ऑड हो गई तो क्या होगा यार, यहां पे तो हमेशा रिस्टोरिंग होगा फोर्स, बट नेगेटिव करते ही, नेगेटिव करने में भी वो यहीं पर आ जाएगा, तो इट विल नॉट बी अ रिस्टोरिंग फोर्स एट ऑल, ठीक है। तो यार ये एक रिस्टोरिंग फोर्स तभी होगा जब x हमेशा ऑड होगा, है ना, x हमेशा ऑड होगा, तो ये ऑड पावर्स, तो ये तुम्हें मल्टीपल टाइप्स के हार्मोनिक मोशन दे देगा, ठीक है, समझ गए। अब यार ये एक हार्मोनिक मोशन है, बट जरूरी नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाला होता है जिसमें f इज इक्वल टू माइनस के x लगता है, जैसे कि तुम्हारा अर्थ पे लगा था टनल पे, जो सेंटर वाला टनल था, ठीक है, जैसा तुम्हारा स्प्रिंग पे लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? आ गई है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इज दिस क्लियर, है ना, समझ गए, ओके। तो यार अब बात करते हैं, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यार ये एक SHM है ना, SHM को अब थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जहां पे भी आपका SHM होता है ना, उस अरीना को डिफाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली वो यहां से लेकर यहां तक SHM हो रहा है, इस डब्बे में SHM हो रहा है, ठीक है, इस पार्टिकल का इस डब्बे में SHM हो रहा है, और बहुत ही प्यार से हमने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है ना, बहुत ही प्यार से हमने यहाँ पे मार्क भी कर लिया, यार ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, यहाँ पे ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार ये तुम्हारा x इक्वल टू जीरो है, ये तुम्हारा x इक्वल टू प्लस है, क्योंकि x पे हो रहा है, x एक्सिस पे हो रहा है ना, y पे होता तो y लिखते है ना, y ये x इक्वल टू माइनस है, ठीक है, समझ गए। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो ये तुम्हारा टू एंड फ्रो मोशन होता है, कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को विजुलाइज करना है, स्प्रिंग तुम्हारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन ड्यूरिंग में है ना, तो बेसिकली वेयर द एक्सेलरेशन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, है ना, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं जहां पे फोर्स है ना, या तो ऐसे याद रख लो, जहां पे तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा माइनस के एक्स का फॉर्म हो, सो दिस इज SHM, है ना, या Which is also this, ना a की पावर, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई, तो तुम इसको क्या करोगे, ma, ठीक है, या तो तुम ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टू द, समझ गए ना, बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, वो उसको SHM कहते हैं, ठीक है। तुम्हें मैंने मोटा मोटी समझा दिया, जहां पे फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजिशन की तरफ होता है और इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तुम देखो, तुम्हारा x बढ़ेगा तो लीनियरली तुम्हारा फोर्स भी बढ़ेगा, लीनियरली तुम्हारा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, समझ गए ना मेरी बात, या ये सेम ही चीज है यार, ये सेम ही चीज है, ठीक है। इसमें तुम क्या बोलोगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, है ना, तो यार तुम्हारा ये भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसमें क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि यार यहां पे एक्सेलरेशन ऐसे है, यहां पे एक्सेलरेशन ऐसे है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिस्टोरिंग इन नेचर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूं कि a रिस्टोरिंग, इट्स ऑलवेज रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। ए रिस्टोरिंग का मतलब ही है कि हमेशा यहां पे है ना। अब बेटर तरीका क्या है इसको बताने का, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये डेफिनेशन तुम्हें हमेशा ऐसे ही मिलेगी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बट तुम देखोगे कि नमोसर ये अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर नमोसर दिस इज नॉट कूल, अपन हमेशा ए रिस्टोरिंग से इसको डील करेंगे, हमेशा वी विल है ना, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, दिस इज ए रिस्टोरिंग, ठीक है, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिस्टोरिंग इट्स पोजिशन, ठीक है। जब ये यहां जाएगा तो एक्सेलरेशन यहां लगेगा, जब ये यहां जाएगा तो एक्सेलरेशन यहां लगेगा, ठीक है। यहां पे देखो डी एक्सेलरेट होगा, है ना, फिर यहां पे एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, यहां पे कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, फिर ये वापस से वेलोसिटी गेन कर लिया, तो ये यहां तक ब्रेक मारेगा, फिर यहां पे एक्सेलरेट करेगा, फिर ब्रेक, फिर एक्सेलरेशन, समझ गए ऐसे। तो ये हमेशा टू एंड फ्रो होता रहेगा, इसको आप SHM कहते हो, है ना, इसको आप मीन पोजीशन कहते हो, इसको आप एक्सट्रीम पोजीशन कहते हो, इसको आप दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हो, इस लेंथ को आप एम्पलीट्यूड कहते हो, ए मीटर्स, कैपिटल ए मीटर्स, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन, ठीक है, कैपिटल ए मीटर्स, यहां पे भी कैपिटल ए मीटर्स है, तो बेसिकली इसका जो अखाड़ा है वो 2a मीटर्स का है, ठीक है, ठंग 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 ऐसे होता रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, और अगर समझ में आ गई है तो हिट द लाइक बटन एंड ऑब्वियसली कीप टेलिंग मी इन द चैट बॉक्स कैसा लग रहा है, एंड कीप हार्ट्स आते रहने चाहिए यार, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब चलो अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, है ना, अब बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एच एम, कि आप ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ये जो साइन वेव आती है कैसे आती है, क्यों आती है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कुछ भी मैथमेटिकल मतलब वो आपको निकालना है ना, मैथमेटिकली अगर आपको कुछ भी एस एच एम में लिखना है या सॉल्व करना है तो आपको इन दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी एस एच एम एंड यू सी एम टुगेदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एस एच एम टुगेदर, ठीक है। एस एच एम यहाँ पे हो रहा है तो बेसिकली ये तुम्हारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे एस एच एम होता है, ठीक है। अगर एक्स में एस एच एम हो रहा है तो तुम बेसिकली लाइट यहाँ से फेंकोगे, बेटा जल्दी से देखो तुमने लाइट यहाँ से फेंकी, ठीक है, तुमने यहाँ से लाइट फेंकी, ये तुम्हारी स्क्रीन है, ये और तुमने लाइट यहाँ से भी फेंकी, ठीक है, तुमने लाइट यहाँ से भी नीचे से भी फेंक रहे हो, तो तुम जब लाइट यहाँ से फेंक रहे हो तो तुम देख रहे हो उसकी शैडो, शैडो विल ऑलवेज डू एस एच एम, शैडो एस एच एम हमेशा शैडो करेगा, ठीक है। और यार यूनिफॉर्म तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो देखो इसकी शैडो एस एच एम कर रही है, जब ये यहाँ पे पहुंचा देखो शैडो एस एच एम यहाँ पे जा रही है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये इसकी शैडो है, ये इसकी शैडो है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। जैसे ये स्क्रीन हो गई आपकी, अब देखो ये तुम्हारी स्क्रीन हो गई, इसमें तो डायमीटर में तुम्हें दोनों जगह से लाइट फेंकनी पड़ी। अब यार यहाँ पे खाली एक जगह से लाइट फेंको, स्क्रीन पे तुम्हें लाइट फेंकनी होती है, स्क्रीन पे तुम्हें लाइट फेंकनी होती है, तो तुमने लाइट फेंकी है ना, यहाँ से तुमने लाइट फेंकी। अब देखो शैडो एस एच एम करेगी नहीं करेगी, शैडो एस एच एम करेगी नहीं करेगी, या इसका प्रोजेक्शन एस एच एम करेगा नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी शैडो देखो इसके साथ साथ मूव कर रही है, और शैडो एस एच एम कर रही है और ये यू सी एम कर रहा है, ठीक है। इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल मुझे मिला था वो ये था, जो मुझे बेस्ट एग्जाम्पल मिला था वो ये था, और इसको हम कई बार यूज करेंगे, ट्रस्ट मी यू विल यूज दिस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और यार इसमें बढ़िया बात पता है क्या है, क्योंकि जो तुम एस एच एम सॉल्व करोगे ना वो हमेशा वाई में होगा, ये बेस्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द बेस्ट किलर विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर एस एच एम। तुम पूरा एस एच एम समझ जाओगे अगर तुम ये समझ जाओगे तो आई वॉन्ट योर 100% नहीं 1000% अटेंशन राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एस एच एम से प्यार हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो बेसिकली यार यहाँ पे तुम्हारा इस अखाड़े में एस एच एम हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा एस एच एम इसमें हो रहा है, इज दिस क्लियर, तुम्हारा एस एच एम नमो सर इसमें हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, तुम्हारा एस एच एम यहाँ पे हो रहा है। अब ना तुम क्या बोलोगे, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा यू सी एम है, ये तुम्हारा एस एच एम है ना यार, या तो तुम या लाइट यहाँ से फेंक रहे हो, ऑब्वियसली लाइट इज ऑलवेज थ्रोन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, या यहाँ पे तुम एक स्क्रीन भी रख सकते थे, दिस कुड हैव बीन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे बंदा एस एच एम करता, शैडो एस एच एम करती, ठीक है। तो यार ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, यू आर थ्रोइंग लाइट ऑन द स्क्रीन, तो बेसिकली इसका शैडो भी एस एच एम कर रहा है, शैडो की जगह मैंने ये डाल ही दिया तुम्हारा, है ना, ये साथ में डाल ही दिया कि तुम्हें एस एच एम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, होता हुआ नजर आ रहा है। तो यार एस एच एम और यू सी एम में कुछ कुछ प्रिमाइस क्या कहता है, तो ये एस एच एम हो रहा है, ये यू सी एम हो रहा है, तो इन दोनों में क्या चीजें कॉमन है, तुम लोग मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका रेडियस और इसका एम्पलीट्यूड बराबर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका, है ना, सबसे पहले टाइम पीरियड, जिसका टंग है ना, तो अब ध्यान से देखना, ये यहां से ऐसे, जब ये ऐसे करता है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ओके नमो सर, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसका टू एंड फ्रो का टाइम पीरियड टी है, तो इसका भी टाइम पीरियड टी है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, इनका टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी सर, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए ना, फ्रीक्वेंसी, हाँ, दोनों की टाइम पीरियड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा है, तो इसकी भी ओमेगा है ना, ओमेगा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं यार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, है ना, तो ये बेसिकली 2π μ होता है, ठीक है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और ये 1/T होता है, ये सब रिलेटेड है, ये एक ही थाली के भाई बहन है, अगर एक बराबर है तो सारे बराबर हैं, ठीक है ना, समझ गए, ये बराबर है, इसका एम्पलीट्यूड ए है नमो सर, इसका एम्पलीट्यूड ए है, चलो देखो साथ साथ, इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका रेडियस आर है, सर आर और ए बराबर है, इसका रेडियस, सर इसका रेडियस, इसका एम्पलीट्यूड है, ये दोनों बराबर है सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि यार इसका एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू इसका रेडियस, इसका एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू इसका रेडियस, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, समझ गए मेरी बात। और अब बढ़िया चीज बताता हूं, ये जो ओमेगा है ना, ये इसका ओमेगा, इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसका ओमेगा है, ठीक है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है
है ना, जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही इसका ओमेगा है। अब तुम लोग बोलोगे यार ये फॉर्मूला आता कैसे है? अरे पहली बात तो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। सुनो, सबसे पहली बात, जब ये ओमेगा इनटू टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना एंगल है ना, तुम्हें एक फॉर्मूला बताओगे ना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये फॉर्मूला बताओगे ना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी यार, है ना, ओमेगा से रूट है ना, तो बेसिकली एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, ओमेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम यार, है ना, वही इसके लिए लगा दो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, नो अल्फा, नो अल्फा, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 2 पाई रेडियन कितने एक टाइम पीरियड में करेगा, 2 पाई रेडियन एक टाइम पीरियड में करेगा, तो यहाँ पे लिखो 2 पाई ओमेगा इनटू टाइम पीरियड, है ना, ये थीटा 2 पाई रेडियंस करेगा एक टाइम पीरियड में, सही बात है, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, ये समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया, अरे यार घनचक्कर अगर तेरे को ये समझ में आ गया तो ये क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा, समझ गए मेरी बात, तो ये इसका डेरिवेशन है, ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ या 2 पाई नहीं हो, तो बेसिकली तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये तुम सब रिलेटेबल है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, किसी भी एक ऑसिलेशन के लिए अगर टाइम पीरियड पूछूं तो तेरे को फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी पूछूं तो तेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये मैं वेव्स में भी बार बार बताने वाला हूं, ठीक है, ये वेव्स में भी बार बार बताने वाला हूं, क्या हमने इसको डंडा मार दिया, हथौड़ा मार दिया, काम खत्म कर दिया इसका, समझ में आ गया, ठीक है, तो यार ये हो रहा है तेरा SHM, सॉरी ये हो रहा है तेरा SHM, ये हो रहा है तेरा UCM, ठीक है, तो ये दोनों बहुत रिलेटेबल है। तो अब तुमने बोला कि इसका रेडियस, इसका एम्पलीट्यूड, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन था, इसका ओमेगा है ना, जो इसका ओमेगा है सर, जो इसका ओमेगा है ना, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है, जो SHM का, जो UCM का एंगुलर वेलोसिटी है, वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, है ना, जो इसका ओमेगा है वो इसका फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल सही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये सब, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, और कुछ बताना चाहते हो तुम लोग मुझे? हाँ ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स विच कम्स टू योर माइंड, विच अभी इतना ही आ रहा है ना, अभी इतना ही आ रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट किलर विजुलाइजेशन था, इस पर हम वापस आएंगे, दोबारा आएंगे, बट आपको ये समझ में आ गया, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है, इसका जो ओमेगा है वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये सब रिलेटेबल होते हैं, ठीक है, और जो इसका रेडियस है वो इसका एम्पलीट्यूड है, जो इसका रेडियस है वो इसका एम्पलीट्यूड है, और अब आएगा मज़ा यार, अब आएगा मज़ा, ट्रस्ट नहीं, अब मैं जो तुम्हें कराने वाला हूँ ना वो लेफ्ट ब्रेन एक्सरसाइज है, और बेटा आई चैलेंज एनी बुक, नॉट डिजिटल वीडियो बुक, बट आई चैलेंज एनी बुक ऑफ SHM सॉल्विंग द problems the way we are solving today and tomorrow and day after tomorrow and after that, ठीक है, है ना, so everyone, representation of SHM, अब हम SHM का equation लिखना चाहते हैं, ठीक है, और अभी जो मैंने तुम्हें चीजें बताई थी ना, ये जो 3 points थे, सुनो ये जो 3 points है ये बहुत ज्यादा important है, ये जो 3 points थे ये बहुत ज्यादा important है, कि radius of circle है ना, ये बहुत important है तुम्हारी पूरी analogy में, क्योंकि जिस तरीके से मैं SHM पढ़ाने वाला हूँ ये चीज तुम्हारे लिए प्योर गोल्ड होने वाली है, ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कल इज द फेज इन SHM, अब ये बताऊंगा, ये अभी तुम्हें बताया नहीं, अभी बताऊंगा, ठीक है, एंड एंगुलर स्पीड इन द सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन द SHM, ठीक है, अब SHM में फेज क्या होता है ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, अब यार ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा फेज क्या होता है सर, है ना, हाई फेज इन लाइफ, लो फेज इन लाइफ, फेज क्या होता है सर, है ना, ठीक है, सब समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, तो फेज क्या होता है अभी समझाते हैं, देखो अब अगर मैं बोलता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अब अगर मैं बोलता हूं यार ये पार्टिकल, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बहुत जरूरी है, अगर ये पार्टिकल यहां पे है, ये UCM का पार्टिकल है, तो यार ये इसकी एंगुलर पोजिशन होगी, क्या ये इसकी एंगुलर पोजिशन होगी, ठीक है, नमो सर मैंने बोला कि यार ये इसकी एंगुलर पोजिशन है, नमो सर ये इसकी एंगुलर पोजिशन है ना, और इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रही, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रही, ठीक है, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रही सर, तो तुम पता क्या लिखोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम बोलोगे कि इसका जो फेज है ना नमो सर, इसका फेज पता है क्या है, ये एंगुलर पोजीशन इसका फेज होगा, अब यार यहां पे तुम बोलोगे ये SHM हो रहा है, नमो सर ये UCM हो रहा है, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर इसका जो फेज है ना, इसका फेज है थीटा, इस केस में फेज इसका थीटा है, ठीक है, समझ गए, फेज इसका थीटा है, ठीक है, अभी समझाएंगे तुम्हें, सब कुछ समझाएंगे, डोंट यू वरी, वी विल डू एवरीथिंग, है ना, अब तुम्हें ब्लैक स्क्रीन पे समझा देते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे समझा देते हैं कि फेज क्या होता है, ठीक है, फेज इज समथिंग लाइक दिस, कि यार ये तुम्हारा UCM हो रहा है, ध्यान से सुनना, है ना, UCM हो रहा है, और वाई एक्सिस पे
SHM होता है, ठीक है, Y एक्सेस पे SHM होता है, हमेशा SHM तुम ऐसे ही कराओगे, SHM तुम हमेशा इस पे ही कराओगे, ध्यान से समझो, SHM will always happen on the Y एक्सेस, there's a reason why I'm saying SHM will always happen on the Y एक्सेस, क्योंकि तुम हमेशा एंगल यहां से मेजर करते हो, सुनो, अगर X में भी दे रखा है ना तो तुम Y में कन्वर्ट कर लेना, हमेशा सुखी रहोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार तुम देखो एंगल हमेशा तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेजर करते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेजर करते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा ग्रीन वाला तुम्हारा UCM है, UCM है, इसका स्नैपशॉट ले लेना एंड में, ये ग्रीन वाला तुम्हारा UCM है, तो यार ये पोजीशन वन पे, उस टाइम पे है ना, सुनो, ये लाल वाला तुम्हारा यहाँ पे है, ध्यान से सुनो, उस टाइम तुम्हारा लाल वाला यहाँ पे है, तो बेटा इसका थीटा कितना है जल्दी से बताओ, इसका फेज क्या लिखूँ मैं, जल्दी से बताओ इसका फेज क्या लिखूँ, नमो सर मैं लिख सकता हूँ इसका जो फेज है ना, या इसका जो थीटा है वो जीरो डिग्रीज है ना, इसका थीटा है जीरो डिग्रीज है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका फेज, जब ये यहाँ पे जा रहा है ऑब्वियसली, जब ये यहाँ पे जा रहा है तो फेज इसका है जीरो, जीरो रेडियंस, ठीक है। और अब सुनना, अब जब ये भाई साहब यहाँ पे पहुँचते हैं, टंग, जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं, लेट्स से दिस इज पाई बाय फोर, ठीक है, अब तुम्हारा ये बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे जा रहा है, तो यार यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थीटा है ना, यहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा कि थीटा तुम्हारा हो गया 45 डिग्रीज है ना, या पाई बाय फोर रेडियंस, ठीक है, या पाई बाय फोर रेडियंस, तो यार अब इसका फेस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब इसका फेस है ना, यहाँ पे इसका फेस कितना हो जाएगा, इसका सब स्नैपशॉट ले लेना, इसका जो फेस होगा, इसका फेस कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर, SHM में इसका फेस हो जाएगा पाई बाय फोर, इट इज गोइंग अप, ठीक है, फेस हो जाएगा पाई बाय फोर, और जब ये दोनों भाई साहब जब ये भी यहाँ पे मिल जाएंगे है ना, ये ऐसे गोले गोले बनाए यहाँ पे मैंने, तो यार ये भी यहाँ पे गोले गोले यहाँ पे बना दिए, तो यार इसका एंगुलर पोजीशन कितना है, इसका एंगुलर पोजीशन है वही इसका फेज होगा, एंगुलर पोजीशन यहाँ पे है पाई बाय टू है ना, और यार ये रेस्ट पे आ गया, तो यार इसका फेज कितना है, अब जल्दी से बताओ, इसका भी फेज लिख दो साथ साथ, इसका भी फेज लिख दो, इसका फेज हो गया तुम्हारा पाई बाय टू, समझ गए मेरी बात, इसकी एंगुलर पोजीशन उसका फेज होगा, इसकी एंगुलर पोजीशन उसका फेज होगा, ठीक है, समझ गए ना, तो एंगुलर पोजीशन एंड फेज, फेज समझ गया, फेज ये एंगल होता है, एंगुलर पोजीशन, इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, और हमेशा एंगुलर पोजीशन ऐसे मेजर करेंगे, प्लीज डोंट डिस्टॉर्ट दिस, इसको हमेशा पावन रहने देना, तुम्हारा UCM ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे खत्म होता है, तुम्हारा SHM ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, SHM स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली बात है कि यार ये तुम्हारी ऐसे है। अब देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है ना, अब एक फेज होता है लाइफ में, एक फेज होता है जब तुम राइज करते हो, एक फेज होता है जब तुम नीचे जाते हो, अब तुम जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा, ध्यान से समझो, जब ये पार्टिकल फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापस से यहाँ पे आएगा, जब ये पार्टिकल वापस से यहाँ पे आएगा, ये नीचे जा रहा है, तो इसका फेज नीचे जाने का फेज है लाइफ में, इसका फेज ये नीचे जाने का है फेज लाइफ में, तो जल्दी से बताओ, ये पाई बाय फोर है प्लस पाई बाय टू कितना होगा, 3π/4, क्या मैंने सही बोला है, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर कितना होगा, 3π/4 है ना, तो यार इसका जो फेज होगा, जल्दी से बताओ, इसका जो एंगुलर पोजिशन होगा है ना, कितना होगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्रीज इज 3π/4 ऑब्वियसली है ना, तो अब यार ये भाई साहब इसके नीचे जा रहे होंगे इस टाइम पे है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग ये नीचे जा रहा है, तो यार ये नीचे जा रहा होगा, इसकी शैडो नीचे जा रही होगी, जब ये ऊपर जा रहा था तो फेस था पाई बाय टू, सेम पोजिशन पे जब ये नीचे जा रहा है तो इसका फेस कितना होगा, ये नीचे जा रहा है लाइफ में, ठीक है, इसका फेस कितना हो गया 3π/4, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था तो फेज ये था, तो ये अच्छी तरीके से डिफाइंड होता है, SHM में हर चीज़ अच्छी तरीके से डिफाइन होती है, जब तुम ऐसे ऐसे जाते हो किसी भी टाइम पे मैं फेज पूछ सकता हूँ, मैं बोलूँगा जब तुम ऊपर जा रहे हो, ओके ऊपर जा रहे हो, तो बेसिकली तुम्हारा ये कॉम्पोनेंट काउंटर पार्ट ऊपर ऐसे जा रहा है, तो इसकी पोजिशन फेज होगी, ठीक है, इसकी पोजिशन फेज होगी, समझ गए, वेरी गुड, तो बेसिकली फेज इज द एंगुलर पोजिशन, ठीक है, जो एंगुलर पोजिशन UCM का होगा वो तेरे SHM का फेज होगा है ना, और हमेशा कायदे से ऐसे SHM को कराना कि वो Y एक्सिस पे हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि फिर चीजें सिंपल हो जाती हैं, सारे डेरिवेशन मैं तेरे वैसे ही कराऊंगा, चला के प्रॉब्लम X में भी होगा ना तो मैं तेरे को Y में कराऊंगा, ठीक है, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट एंड यू विल थैंक मी लेटर, तुम लोग मुझे बाद में थैंक करोगे, अभी के लिए हार्ट्स दे सकते हो, उससे मैं काम चला लूंगा, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, ओमेगा इज कांस्टेंट, तुम्हारा ओमेगा अभी कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस ऑफ UCM कितना है, ए, रेडियस ऑफ UCM है ए, अब मैं जानना चाहता हूं इसकी पोजीशन, क्योंकि SHM तो इसमें होगा, नमो सर बहुत ही सिंपल है, SHM तो मेरा इसमें होगा, ये एक सिंपल SHM है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम
y इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मीन पोजीशन मतलब अगर SHM यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल वाला SHM अगर वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली एट t इज इक्वल्स टू जीरो, बेटा एट t इज इक्वल्स टू जीरो तुम्हारा पार्टिकल यहां पे था, है ना, तुम्हारा UCM का पार्टिकल यहां पे था। UCM कौन कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो मैं जो लिखने वाला हूं, ये बहुत जरूरी है, ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू ही है तुम्हारा, ब्लू ही है ना, ठीक है, और ये तुम्हारा लालू, ठीक है, ये लालू तुम्हारा इस अरीना में, ये लालू तुम्हारा इस अरीना में क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, ये SHM का अरीना है, ठीक है, ये SHM लिख दो इसको, लाल वाला मतलब SHM, ब्लू वाला मतलब UCM। नमो सर, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। t इज इक्वल्स टू जीरो पे तुम यहाँ थे, है ना, t इज इक्वल्स टू जीरो पे, अरे यार ब्लू वाली बॉल है क्या, कोई नहीं है क्या, कोई टेंशन नहीं है, ब्लू रुको 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 रुको, हाँ ये तो है ही ना, चलो ये लाल है, हाँ ये ब्लू है, सही है सही है सही है, है ना, ये लाल है ये ब्लू है, ठीक है। तो बेसिकली ये SHM कर रहा है तुम्हारा, है ना, ये समझ गए, और ये ब्लू वाला, सो बेसिकली जब ये यहाँ आ जाता है तो ये यहाँ जाता है, जब ये यहाँ जाता है तो ये यहाँ जाता है, जब ये यहाँ जाता है तो ये नीचे आता है, ऐसे 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 दोनों मिलते हैं, ये इसकी शैडो है बेसिकली, है ना, ये इसकी शैडो है। तुम लाइट ऐसे फेंक रहे हो, तुम लाइट ऐसे फेंक रहे हो, एक्स एक्सिस तुम्हारी स्क्रीन, वाई एक्सिस तुम्हारी स्क्रीन है हमेशा, है ना, एक्स एक्सिस तुम्हारी स्क्रीन है, तुम लाइट ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है। बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर एट टी इज इक्वल्स टू टी इसका एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कहाँ गया रिमोट, हाँ अब यार ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि यार ये ओमेगा टी चला गया, अरे यार ओमेगा टी चला गया, चल यार वाई निकाल लेना, इसका डिस्प्लेसमेंट जो वाई हुआ है एट टी इज इक्वल्स टू टी, डिस्प्लेसमेंट आ गया ना वाई, एक एक लाइन में आया यार, एक लाइन में कभी कोई चीज आती है, ये क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि एंगल थीटा है ना, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये तेरा थीटा है, ठीक है, जल्दी से बताइए, वाई हो गया, जल्दी से एवरीवन, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, चेक करो क्या ये इक्वेशन ऑफ SHM होता है, क्या तुम्हारी किताब में ये लिखा है, नहीं सर हमारी किताब में कुछ और लिखा है सर, आपने कम पढ़ाया है, हमारी किताब में लिखा है वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग विच इज लाइक दिस, है ना, इसको फाय कहते हैं, फाय बड़ी प्यारी चीज है, रुको 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 अभी मजा आएगा, फाय क्या होता है बताते हैं। अब यार ये जनरल इक्वेशन ऑफ SHM नहीं है, ये एक सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी सिंपल है कि तुम बोल रहे हो तुम स्टार्ट से स्टार्ट करते हो, ठीक है, बट अगर कोई है ना बड़े बाप का छोटा बेटा बड़े बाप का छोटा बेटा कभी भी यहां से स्टार्ट थोड़ी करता है, वो यहां से स्टार्ट करता है, उसके पास कुछ इनिशियल फेज होता है, ठीक है, वो होता है, तो लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना, कोई जीरो से स्टार्ट करता है तो कोई बहुत आगे से स्टार्ट करता है, बट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट करता है वैल्यू उसी की होती है, समझ गए मेरी बात, है ना, ये बात हमने देखी है और ऐसा होता भी है, इज दिस क्लियर। तो अब तुमने लिखा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये तो सिंपल SHM हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ गए मेरी बात, यहां से तुम्हारा UCM यहां से स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और तुम्हारा SHM भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऐसे टंग 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 होता जा रहा है, ये वो वाला SHM है। बट अब बात करते हैं जनरल SHM की, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जनरल SHM की, वैसे अब तुम ना इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें इसकी वेलोसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी, तुम इसका डिस्प्लेसमेंट पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर, इसको जैसे ही तो डिफरेंशिएट करेगा तो जल्दी से बता वेलोसिटी आ जाएगी dy by dt, है ना, तो ये क्या आ गया, है ना, ये बहुत आसानी से बाद में करके बता दूंगा, a ओमेगा cos, साइन का cos होता है ना, cos ओमेगा t आ जाएगा, चेन रूल लगा के आ जाएगा बहुत आसानी से, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा dv by dt, एक और बार डिफरेंशिएट करेगा तो ये आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, और ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये साइन हो जाएगा फिर से, साइन ऑफ ओमेगा t, है ना, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो बेसिकली इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, एंड देन यू डिफरेंशिएटेड ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, चेन रूल लगाया, तो बेसिकली ये आ गया, फिर ये आ गया, तो अल्टीमेटली यही चीज तो लिखी है भाई, है ना, और यार यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि यार ये तो ए साइन ओमेगा टी तो तुम्हारा वाई ही है, तो यार ये तुम्हारा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया, ये जो चीज है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बार बार करेंगे 10 बार करेंगे और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यार तुम्हें बेसिकली अब इसकी वेलोसिटी भी पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तेरे को मिल गई, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई, देख देख 0 से पाई बाय 2 वेलोसिटी ऊपर है,
पॉजिटिव है, ठीक है। जब नीचे आ रहा है तो कॉस नेगेटिव क्वाड्रेंट में, जब ये नीचे आएगा है ना, तो तेरा थीटा मतलब बेसिकली यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी है ना। यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव होता है, तो जब तेरा एंगल, समझ गया यार तू है ना, ठीक है। तो यू कैन रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे विजुअली बताऊंगा, आई टेल यू इनको प्रूफ करने के और तरीके, विदाउट डिफ्रेंसिएशन करके बताऊंगा ये सब चीज़ें है ना। जो किसी भी किताब में तुम्हें मिल जाए तो बता देना, ठीक है, कॉमेंट्स में बता देना, ठीक है, नहीं तो कुछ प्यार भरा लिख देना। एवरीवन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल है ना। इन द केस वाई एक्सिस कोई तुम लेना, मुझे तो बढ़िया लगता है वाई एक्सिस पे लेना, ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि वहां से फेस कैलकुलेशन आसान हो जाता है, फेस कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। अब यार वैल्यू इसकी है, वैल्यू है जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। यार ये तो सिंपल हो गई, दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन, दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन, दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, समझ गए, क्योंकि इसमें इनिशियल फेज क्या है, वॉट इज द इनिशियल फेज, वॉट इज द इनिशियल फेज, इसको फेज कहते हैं, मैंने बताया था ना यार, ये तुम्हारा फेज होता है, फेज इज द एंगल, फेज इज द एंगल, ये एंगल है ना तुम्हारा, फेज इस एंगल को कहते हैं यार, ये एंगल है, इसमें कोई इनिशियल फेज है ही नहीं, टी को जीरो रख, जीरो है ना, टी को जीरो रख, जीरो मतलब ये पार्टिकल यहीं पर है, ठीक है, इनिशियल फेज है ही नहीं, ये है। अब आप करेंगे असली चीज, नाउ वी विल डू द रियल थिंग, अब असली चीज करेंगे, रियल थिंग, एंड दिस इज प्योर गोल्ड। यहां से जो भी स्टार्ट होगा, ये जो भी होगा बहुत सुनहरा होगा और बहुत ही आसानी से मैं तुम्हें समझा दूंगा। और बच्चों ट्रस्ट मी, आई एम टाइमिंग माई सेल्फ, बहुत जल्दी तुम्हारे दिमाग में घुसाना मेरा काम है, ठीक है। इक्वेशन मैंने बोला था ना, कोई भी चीज लाइफ में फेयर नहीं होगी, ठीक है, समझो मेरी बात है ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो अलग बात है, बट राजा का बेटा यहां से स्टार्ट करेगा है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ध्यान से देखो, ये ब्लू वाला पार्टिकल है, ये t इज इक्वल टू जीरो यहां पे स्टार्ट कर रहा है ना, इसका 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 ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन फाइव है, इसको इनिशियल फेस कहते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब यहां पे तुम्हारा SHM ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, SHM ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए मेरी बात। अब देखो एक जनरल SHM क्या होता है कि यार ये यहां पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने रेस्ट पे कर दिया, ये मीन पोजीशन है, यहां से मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, ये एक SHM था जो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। बट अगर मैं पहले से इसको थोड़ा सा खींच दूं, मैंने बोला तू राजा का बेटा है, ठीक है, तो मैंने पहले से खींच दिया, तेरे को इनिशियल वेलोसिटी दूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये मीन पोजीशन अभी भी रहेगी, बट हुआ क्या, ये इसको ऑलरेडी मतलब किसी और पोजीशन से स्टार्ट किया इसने, आपको ये बात समझ में आई। तो बेसिकली यार अपनी जो जनरल इक्वेशन है वो यही होगी कि तुमने यहां से स्टार्ट किया, फाइव से स्टार्ट किया, ध्यान से सुनो, तुमने फाइव से स्टार्ट किया, ये इसकी इनिशियल, दिस इज नोन एज द इनिशियल फेज और द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ SHM, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ SHM, ठीक है, और SHM का रेडियस है ना ऐसे, हाँ समझ गए मेरी बात, ओके गुड। अब वापस से वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहना यार, ये तुम्हारा SHM का अरीना है, यहाँ पे तुम्हारा SHM होगा, जो भी कांड होने हैं वो यहीं पर होने हैं, ठीक है, ओके ग्रेट है ना। तो इसको ऐसे ऐसे कर दो, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये इनिशियल था, ये भी इनिशियल था, ये टी इक्वल टू जीरो पे था, ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँच गया है। तो अल्टीमेटली इसने, अब ये देखो, ये तुम्हारा t इज इक्वल टू जीरो है, ये तुम्हारा t इज इक्वल टू t है, तो यार ये भाई साहब तुम्हारे, ये ब्लू वाले भाई साहब यहां से यहां गए, और तुम्हारे यार ये भाई साहब रेड वाले भाई साहब यहां से यहां गए, यहां से आ गए। तो एट t इज इक्वल टू t तुम्हें इसकी पोजीशन मुझे बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है एट t इज इक्वल टू t। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुमने देखा इसने ओमेगा t, क्योंकि ओमेगा से चल रहा है ना ये, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका और इसका, इसका इसका ओमेगा और इसका ओमेगा, इसका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है ना, समझ गए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब टाइम पीरियड कम, ठीक है। तो बेसिकली इसका ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी है ना, समझ गए मेरी बात, क्योंकि ये जब एक ओमेगा में ऐसे वो करता था, ये भी अपना SHM कंप्लीट करता था, तो इसका जो ओमेगा था वो इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर था, इन दोनों का टाइम पीरियड बराबर था, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर थी, इन दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बराबर थी, ठीक है, समझ गए तुम, समझ गए, आई हैव अंडरस्टूड दैट यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब तुम्हें देखना है कि यार इसकी जो पोजीशन है वो क्या है ना। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। तो तुम्हें यहां पे ये क्लियरली दिख जाता है, यार ये वाई है, और अगर तुम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो बेटा,
तो यार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू टी, एट टी इज इक्वल्स टू टी दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है वो अलग बात है ना, ये भाई साहब यहाँ पे है लाल वाले, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो अब तुम्हें बेसिकली इसका ये वाई निकालना था, तो यार ये वाई हो गया, यार ये तुम्हारा ए हो गया, जल्दी से देखिए ये तुम्हारा ए हो गया, तो बस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना, यहाँ पे हो गया बस काम खत्म, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, तो यार यहाँ से तुम्हारा बहुत इजीली आ गया ना, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यस दिस इज द जनरल इक्वेशन एक लाइन में ऑफ एस एच एम व्हेन यू डू इट वाया दिस मेथड, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ये तुम्हारी पोजीशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये पोजीशन है, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ए साइन फाइव थी, ए साइन फाइव थी, दिख रही थी ना, ए साइन फाइव वॉज द पोजिशन एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो अब तुम्हें देखो, अब तुम्हें बड़ा मजा आएगा देख के, ये चीज़ क्या होती है बेटा, ये एंगल क्या होता है, इसको कहते हैं फेज ऑफ एस एच एम, इसको कहते हैं फेज ऑफ एस एच एम, अब इसी फेज में टी को जीरो रखो, इसी फेज में टी को जीरो रखो तो इनिशियल फेज आ जाएगा, टी को जीरो रखा तो फाइव आ गया, है ना, तो बेसिकली अब यार ये हो गया तुम्हारा इनिशियल फेज, टी इज इक्वल्स टू जीरो वाला इनिशियल फेज हो गया, है ना, तो बेसिकली समझ गए मेरी बात, ये फेज है, फेज में टी को जीरो रख दो तो वो इनिशियल फेज आ गया, फाइव आ गया ना, फाइव इज द इनिशियल फेज ऑफ एस एच एम, या इनिशियल पोजिशन, फाइव इज द इनिशियल एंगुलर पोजिशन ऑफ द यू सी एम, या इनिशियल फेज ऑफ एस एच एम, समझ गए तुम, है ना, समझ गए, वेरी गुड, ओके गुड, अब तुम्हें बताना है, और ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, वॉट इज ए सर, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, सर थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड भाई, है ना, ये होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ये मैक्सिमम ए, ये वाई इज इक्वल्स टू ए तक पहुँच सकता है, वाई इज इक्वल्स टू ए तक पहुँच सकता है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए तक पहुँच सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, नमो सर ये एक साइन इक्वेशन है, सर ये एक साइन इक्वेशन, इसको मैं प्लॉट करूंगा, इसको मैं प्लॉट करूंगा, तो यार ये मैंने एकदम से बहुत जल्दी जल्दी में तुम्हें दिखाया था, ये एक साइन फंक्शन होगा, है ना, दिस इज अ साइन फंक्शन, है ना, ठीक है, इट्स अ साइन वेव, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू, है ना, और ऑब्वियसली बात है वन नहीं है, वन नहीं है एम्पलीट्यूड, तो ए टाइम्स, फिर तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, साइन ऑफ ओमेगा टी से, ठीक है, ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का फॉर्मेट है या नहीं है, बिल्कुल है, फाइव क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो ही है, t इज इक्वल टू जीरो पे y जीरो ही है, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल साइन का फंक्शन हो गया, ये एक एस एच एम का इक्वेशन है, हाँ ये एक बहुत अच्छे एस एच एम का इक्वेशन है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यार देखो ये एस एच एम जो हो रहा है, देखो इसकी जो y पोजिशन, देखो इसकी y पोजिशन पहले बढ़ती है, हाँ बढ़ती है, फिर नीचे होती है, फिर है ना, तो बेसिकली टाइम के साथ ये ऐसे वेरी करता है, टाइम के साथ ये ऐसे वेरी करता है, है ना, समझ गए मेरी बात, तो ग्राफिकली भी तुम समझ गए और तुम ये भी समझ गए कि एट टी इज इक्वल्स टू टी तुम कैसे निकालते हो एस एच एम को, बट इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों को हैंड इन हैंड ले जाओ, अगर हैंड इन हैंड ले जाओगे तो तुम इसको विजुलाइज कर पाओगे, नहीं तो एस एच एम से डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट एस एच एम के नाम में ही सिंपल है, सिंपल तब है जब विजुलाइज करते हो, तभी आसान है बोल सकते हो, ठीक है, अब ये हमें आसान लग रहा है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एस एच एम, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन, पोजिशन है ना, पोजीशन इन एस एच एम, है ना, एंड दिस इज एस एच एम हैपनिंग इन द वाई एक्सेस, एस एच एम हैपनिंग इन द वाई एक्सेस, अब बेटा अब तुम्हें बहुत कुछ करना है लाइफ में, अब तुम्हें बहुत कुछ करना है लाइफ में, है ना, अब तुम्हें बहुत कुछ करना है, मतलब क्या करना है ना, मतलब क्या करना है सर बताइए, अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है इसको डिफ्रेंशिएट करके, और विजुअली पे बताऊंगा, दोनों बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, एस एच एम और यू सी एम में रेडियस ऑफ द सर्कल इसका एम्पलीट्यूड होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कल जो वो है वो फेज इन एस एच एम हो जाता है, जो उसका एंगुलर, ये इसकी एंगुलर पोजिशन है वो एस एच एम का फेज है ना, तू बोलेगा यार ये पार्टिकल ओ ये 30 डिग्रीज पे है, तो तू बोलेगा ये जो ऊपर जा रहा है, अरे तेरा फेज 30 डिग्रीज है, अरे तू ऊपर जा रहा है, फेज 90 डिग्रीज हो गया, समझ गए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, है ना, समझ गए, वेरी नाइस, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन एवर आई से इनिशियल फेज इज पाई बाय टू, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज इज पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने बोला कि मैं एक एस एच एम ऐसा चाहता हूँ जिसका इनिशियल फेज पाई बाय टू हो, जिसका इनिशियल फेज पाई बाय टू हो, है ना, मतलब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये अपनी मेन पोजिशन पर जा चुका, एक्सट्रीम पोजिशन पर जा चुका है और यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए मेरी बात, मतलब मेन पोजिशन यहाँ पे मैं इसकी एक्सट्रीम पोजिशन से उसको मैक्सिमम वेलोसिटी दे रहा हूँ, ये तो फट गया यार, ओ भाई साहब रुको, ठीक है मैंने आपका अनादर नहीं किया है, ठीक है खोपरे जी रुको एक मिनट, उसको वापस लगाने दो यार,
बड़ी मुश्किल से ढूंढा था यार जहाँ पे रिबन थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ओके क्लियर है। अगली बार थोड़ा बेटर बंदोबस्त करना पड़ेगा, रुको एक मिनट इसको टाइट कर देते हैं, एक मिनट रुको यार, दिस इज सम स्पिरिचुअल स्टफ। ओके नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, पकड़ लिया इसने, पकड़ लिया पकड़ लिया, ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको, बट आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया थोड़ा बहुत। हाँ ये अच्छा पकड़ा इसने, ठीक है ओके क्लियर। तो बेसिकली अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब ध्यान से देखो ये तुम्हारा UCM है, UCM अपन जनरली किससे कराते थे, UCM अपन कराते थे रेड से, नहीं ब्लू से, ब्लू से कराते थे अपन UCM, है ना। सर्कल अच्छा बनाओ यार, हाँ इसका मतलब यह है कि यार इनिशियल फेज पाई बाई टू है, मतलब t इज इक्वल्स टू जीरो पे, t इज इक्वल्स टू जीरो पे तेरा UCM है ना, तेरा UCM ऑलरेडी पाई बाई टू पे बैठा है, ठीक है t इज इक्वल्स टू जीरो पे। इसका मतलब यहां से ये ओमेगा कर रहा है, मतलब तेरा SHM यहां से स्टार्ट हो रहा है। योर SHM इज नॉट बिगनिंग फ्रॉम द मेन पोजिशन, योर SHM इज बिगनिंग फ्रॉम y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू a। तो तू जनरल इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव लिख, फाइव लिख, अब इसमें फाइव को पाई बाई टू डाल, देख तेरे को हर चीज खुद ही समझ में आ जाएगी। इसमें पाई बाई टू डाल, पाई बाई टू डाला, नमो सर मैं पाई बाई टू डाल रहा हूँ, ठीक है मैं इसमें ये फाइव को पाई बाई टू डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस थीटा, ये तो कॉस हो गया सर, ये तो हो गया a कॉस ऑफ ओमेगा t। यस इट मेक सेंस, यस इट मेक सेंस, t इज इक्वल्स टू जीरो पे मेरा y a है, t इज इक्वल्स टू जीरो पे y मेरा a है ना। और इसका इक्वेशन भी क्या होगा, है ना, अगर तुम इसका इक्वेशन प्लॉट करोगे, व्हाट इज द y डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो t इज इक्वल्स टू जीरो पे है ना, कॉस को प्लॉट करते हो तो कॉस ऐसे आता है, कॉस ऐसे आता है, हाँ दिख रहा है मुझे t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे, फिर देखो फिर ये नीचे आ रहा है, हाँ y नेगेटिव हो रहा है, ठीक है y पॉजिटिव मतलब थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ये ऐसे 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 जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा SHM, जरूरी थोड़ी है कि जो तुम्हारा SHM है वो यहीं से स्टार्ट होगा, हो सकता है ना यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा हो, है ना, हो सकता है ना यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है ना, समझ गए मेरी बात। जो तुम्हारी मोटर है, मोटर जो SHM कर रही है, जरूरी थोड़ी तुमने गाड़ी को रोका तो वो जरूरी थोड़ी यहाँ पे रोके, अगली बार तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है समथिंग लाइक दैट यार, समझ जाओ तुम, पकड़ लोगे, तुम समझदार हो, ठीक है इतने तो तुम समझदार हो ही अगर तुमने मेरे सारे लेक्चर देखे इससे पहले, ठीक है ये बात समझ में आ गई तुम्हें, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फिर देखना तुम प्रॉब्लम्स को जैसे सॉल्व करोगे ना, यू विल एंजॉय, तुम्हें लगेगा हाँ यार SHM की प्रॉब्लम आई है मजे, और ट्रस्ट मी नहीं तो मजा सजा हो जाएगी, अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मजा सजा हो जाएगी, ठीक है। तो अपन अब इस चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई हैव पर्टिकुलरली एडेड दिस एनिमेशन हियर टू शो यू कि यार ये देख ये UCM है, इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा एक एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये तो UCM हो रहा है ना, बट इसका वेलोसिटी वेक्टर देख बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इस वेक्टर को ध्यान से देख, ये ग्रीन वाले है ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यस यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, फिर ये यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है, 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 ठीक है। एक और फंडा बताना चाहता हूँ, ये शैडो है ना, रुको रुको ये दोनों तरीके से बताएंगे तुम्हें, ये शैडो है ना, ध्यान से देखो, एक और फंडा बताएंगे विजुअल बताने के लिए, विजुअल तुम फॉर्मूला खुद लिख दोगे और तुम खुद बोलोगे नमो सर आज आपने दिमाग के कपाट खोल दिए हैं, ठीक है ये तुम्हारी स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन, ठीक है यहां पे भी तुम ऐसे फेंक रहे हो उसको, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज कि अगर अगर ध्यान से सुनो, अगर ये एक मिरर है, मिरर यानी स्क्रीन है ना, ठीक है दिस इज अ स्क्रीन है ना, अब यार ये तो मैकेनिक्स का फंडा है, वेक्टर्स में तुमने तुम कर सकते हो ये चीज़ बहुत आसानी से। अगर ये वेलोसिटी इसकी लेट्स से 10 है और यार यहाँ पे लेट्स से इसकी वेलोसिटी 6 है, इसका कॉम्बिनेंट यहाँ पे 8 है, ठीक है अलोंग अलोंग 8 है, अलोंग ये है 6, ठीक है। तो शैडो बेटा इसकी शैडो का क्या होगा, इसकी जो शैडो है ना, शैडो है ना, अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो तुम्हारी शैडो, अगर लाइट ऐसे फेंक रहे हो तुम, ठीक है अगर लाइट ऐसे फेंक रहे हो है ना, तो तुम्हारी शैडो भी 8 से ही चलेगी, हाँ सर ये 8 तो रहेगी,
बट यार ये गुल हो जाएगी, ये गुल हो जाएगी, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगी ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है शैडो की, शैडो तो यही मूव कर सकती है ना, तो यार ये वाला जो कंपोनेंट है ना अलोंग, ये 8 एज इट इज रहेगा, बट ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो शैडो मूव नहीं करेगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज जीरो, पैरेलल वाला ले लेगा बट ये जीरो हो जाएगा, फंडा समझ गए तुम मेरी बात, अगर तुम 10 से जा रहे हो लेट्स से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज तो यार ये कॉम्पोनेंटेड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो तुमने इसको पहले ब्रेक कर लिया, तो तुमने बोला यार ये 8 है, ये 8 इज एज इट इज मिल जाएगा बट ये इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, यही चीज हम लगाने वाले हैं, है ना, इसकी वेलोसिटी निकालने में, ये विजुअल वाला मेथड है, ठीक है, टेल मी वन बुक व्हिच शोज यू दैट वे, ठीक है, बट अब हम बताएंगे पहले मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इस वेलोसिटी को निकालेंगे एंड देन यू विल बी फ्लैबरगैस्टेड कि सर आपने तो मजे बांध दिए सर, ठीक है, चलो पहले इसको वो करते हैं, ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस डैम थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस देखते हैं क्या होता है, तो व्हाट इज माय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी डी वाई बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन, बहुत ही बढ़िया सर, ये हो गया डी बाई डी, है ना, डी बाई डी टी, ठीक है, पहले लिख देते हैं, फिर ये क्या है सर, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है सर, सर अगर इसके रिस्पेक्ट में करता डिफरेंशिएशन तो मज़ा ही आ जाता लाइफ में, ठीक है, मज़ा ही आ जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी टी से बाद में कर देंगे सर, है ना, पहले इसको मैं ओमेगा टी प्लस फाइव से के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ और ओमेगा टी प्लस फाइव पे यहाँ पे कर देता हूँ, तो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें बच्चों दिख रहा होगा कि यार ये तो चेन क्रिएट कर दी मैंने, ये तो मैंने चेन क्रिएट कर दी यहाँ पे चेन रूल से, ठीक है, तो यार ये बात तुम्हें समझ में आ गई, वेरी गुड, है ना, तो जब जब तुम इसको निकालोगे तो यार ये साइन का तो कॉस हो जाएगा और यार यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, और ए को तुमने कहाँ पे, ठीक है, ए अलग से कॉन्स्टेंट था, ए कॉन्स्टेंट था, तो यार इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओमेगा प्लस जीरो, ओमेगा प्लस जीरो, ठीक है, तो यार ये ए ओमेगा यहाँ पे आ गया, तुम्हें आता हुआ नजर आ गया, ये ए ओमेगा हो गया, सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा एंड इसका कॉस हो जाएगा, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, सर आई एम वेरी वेरी हैप्पी आई हैव गॉट दिस वेलोसिटी, सर आई एम वेरी हैप्पी आई हैव गॉट दिस वेलोसिटी, वेरी नाइस, ठीक है, आई गॉट दिस वेलोसिटी, अब मैं इसको ग्राफिकली इसी चीज को लेके आने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड दिस वेलोसिटी अगेन ग्राफिकली, बट उससे पहले मैं कुछ और तूफानी करने वाला हूँ, उससे पहले मैं कुछ और तूफानी करने वाला हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यार यहाँ पे y बाय a इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, तो कैन आई गेट द वेलोसिटी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y इज इक्वल्स टू जीरो है, अगर मुझे y इज इक्वल्स टू a बाई टू पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है, टाइम का फंक्शन नहीं, बट अगर मुझे वैसे करनी है तो यार कैसे करेंगे सर बताइए, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी दीजिए, ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यार इन दैट केस अब तुम क्या करोगे, है ना, तुम्हें साइन पता तो तू कॉस निकाल ले ना, अगर तेरे को साइन पता है तो तू कॉस निकाल सकता है यहाँ से, यूज दिस, बहुत ही सिंपल है ना, साइन पता है यू वॉन्ट कॉस, है ना, कॉस क्या होता है अंडर रूट ऑफ, है ना, दिस इज नथिंग बट, है ना, तो वॉट यू विल डू हियर, तुम यहाँ पे बोलोगे v इज इक्वल्स टू दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, तो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a ओमेगा, कॉस क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई बाय ए का होल स्क्वायर, वाई बाय ए का होल स्क्वायर, क्योंकि व्हाट इज साइन, है ना, व्हाट इज कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, सो तो यू नो दिस कॉस थीटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा, तो तुमने क्या किया, साइन थीटा तुझे पता है, कॉस थीटा यहाँ पे लिखा है, तो तूने कॉस थीटा को लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, वाई बाय ए, बस काम खत्म, एंड यू गॉट दिस एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, जो तो जब तुम इसको करोगे तो देखो जल्दी से करते हैं इसको, तो यार ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बहुत ही बढ़िया हो गया, है ना, तो यार यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया जो बहुत ज़्यादा प्योर गोल्ड है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, ये बेटा प्योर गोल्ड है, ये तो वैसे भी याद कर सकते हो तुम, एक सेकंड में डिराइव खुद ही कर सकते हो उसको, बट यार ये तुम्हें पता होना चाहिए, इससे तुम क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना, अब तुम्हें a बाई टू पे वेलोसिटी निकालनी थी तो तुम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, इज दिस क्लियर, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, है ना, ये बात समझ में आ गई, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन है, ठीक है, दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, ठीक है, वेरी गुड, तो तुमने ये वेलोसिटी निकाल दी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM, अब यार यही चीज क्या मैं ग्राफिकली निकाल सकता हूं सर विदाउट डिफरेंशिएशन सर, है ना, लेट्स जस्ट मतलब लेट इट गो टू हेल, ये भाड़ में जाए ये डिफरेंशिएशन, मुझे नहीं करने का है,
मुझे उसको विजुलाइज करने का है, मैं इन वेक्टर्स को देख के कुछ आई वांट टू मेक आउट ऑफ दीज वेक्टर्स, है ना, मैं ये देख रहा हूँ यार ये वेक्टर तो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, तो यार ये वेक्टर तो हमेशा कांस्टेंट है, तो बताओ जल्दी से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इन यूसीएम क्या होगी, जल्दी से बताओ, है ना, ये क्या होगी, आर ओमेगा, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, विच विल बी ओमेगा ए, वेलोसिटी इन यूसीएम विल बी ओमेगा इंटू ए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, वेलोसिटी इन यूसीएम इज ओमेगा इंटू ए, क्या ये बोल सकता हूं मैं, ठीक है, तो मतलब ये जो पार्टिकल है ये हमेशा ए ओमेगा से मूव कर रहा है, ये हमेशा ए ओमेगा से मूव कर रहा है, हमेशा ये ए ओमेगा से मूव कर रहा है, हाँ ये अभी भी ए ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब आर ओमेगा, वी इज टू आर ओमेगा, तो हमेशा ये कॉन्स्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है, तो यार ये ए ओमेगा ही होगा, ठीक है। अब एट टाइम टी, अब ध्यान से देखो बच्चों, नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, दिस इज एट टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, दिस इज इक्वल्स टू एट कैपिटल टी, ठीक है, तो यार ये तुम्हारा क्या है, एस एच एम, एस एच एम हम हमेशा ब्लू में मार्क करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा एस एच एम है, सॉरी ये तुम्हारा यू सी एम है और ये यू सी एम की वेलोसिटी है, ठीक है, तो यार ये तुम्हारा क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, ये हो गया तुम्हारा यू सी एम, इसकी शेडो, इसका शेडो महाराज यहाँ पे है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी शेडो कहाँ जा रही है, शेडो ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी इससे, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी इससे, है ना, तो मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही तो मुझे निकालना था वी, है ना, यही तो मुझे निकालना था, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी, है ना, ये मेरा एस एच एम है, अब यार एट टी इज इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू टी, तुझे पता है एट टी इज इक्वल टू टी इसका एंगल क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव, बेसिकली यार ये पहले फाइव पे थी, फिर एट टी इज इक्वल टू टी इसने ओमेगा टी और कवर कर लिया, तो मुझे एक चीज़ बता, ये पूरा एंगल क्या है, ये साइड सा जो एंगल है बड़ा सारा ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, तो बेटा अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, लेट्स कॉल दिस एंगल एज, इसको थीटा ही बोल देते हैं, ठीक है, इसको अपन थीटा बोल देते हैं, थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, अरे कचरा कर दिया ना अपन ने, थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये थीटा है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो यार ये क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यार ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा, थीटा, तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, इस ब्लू वाले वेक्टर को तोड़ो, ए ओमेगा कॉस थीटा, ए ओमेगा साइन थीटा, है ना, ए ओमेगा कॉस थीटा, ए ओमेगा साइन थीटा, सो इफ यू डू दैट, अब जल्दी से देखो बच्चों, यार इसकी वेलोसिटी यार यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए ओमेगा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी ए ओमेगा कॉस थीटा, और यार यहाँ पे हो जाएगी ए ओमेगा साइन थीटा, ए ओमेगा कोसाइन स्टिक्स होता है ना, साइन थीटा, तो यार ऑब्वियसली बात है, अरे छी हाँ रुको, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके बराबर होगी ना, वो इसके बराबर होगी, तो तुम क्या लिखोगे, वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस थीटा, वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, डिड यू डू एनी डिफ्रेंशिएशन या यू यूज द फंडा ऑफ वेक्टर्स, सेम आ गया, सेम आ गया, फील आ गई, गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ गया एवरीवन, जल्दी से कीप शेयरिंग इट विद द हैशटैग द वर्ल्ड शुड एक्चुअली नो दिस, ठीक है, समझ गए, ओके, तो यार अब इसमें तुमने देखा कि तुमने बेसिकली इसको तोड़ा, तुमने बोला यार ये हो जाएगा ए ओमेगा साइन थीटा, और यार ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस थीटा, और तूने बोला कि यार ये तो, और ये तो बराबर है, तो ये इसका विजुअल वे हो गया, दिस इज द विजुअल अप्रोच, दिस इज द विजुअल अप्रोच ऑफ गेटिंग द सेम थिंग, डिफरेंशिएशन जो हर किताब में मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, इसके बाद वाली मैथमेटिक्स, और ये हो गया तुम्हारा विजुअल वेक्टर्स वाला मेथड, है ना, तो अगेन दिल वेक्टर वेक्टर हो जाता है, ठीक है, ओके, अगर तुम्हारा वेक्टर्स वीक है तो तुम वेक्टर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो jlivedaily2.o livedaily.me/jmicro वेबसाइट पे, आगे बढ़ते हैं, उसको मिस मत करना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, उसके बाद तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो फिर से, है ना, तो बेसिकली अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं अबाउट वेलोसिटी, अब यार यहां पे ये वेलोसिटी तुम्हारा ये आ गया है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया है तो यार अब इससे थोड़ा बहुत तात्पर्य निकालो, है ना, यार यहां पे वी मैक्स और वी मिन निकालो, वी मैक्स, वी मिन एंड वी मैक्स क्या होगा, वी मैक्स इज ओमेगा ए, ये क्या होगा जीरो, है ना, देखो एट y इज इक्वल टू जीरो, जब तुम y इज इक्वल टू जीरो रखते हो यहाँ पे, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो रूट में जो भी है उसको मैक्सिमम रखना है, ये वेरिएबल है ना y, तो एट y इज इक्वल टू जीरो तुम्हें दिख भी रहा है,
तुम्हें यहां पे दिख भी रहा है, देखो देखो इसकी इसकी ये वेलोसिटी वेक्टर मैक्सिमम यहां पे थी, y इक्वल टू जीरो पे इसकी मैक्सिमम थी, ठीक है। हाँ, ओमेगा ए इज जीरो एट y इक्वल टू जीरो, एंड ये मिनिमम कब होगा, ये जीरो मिनिमम हो सकता है ना, क्योंकि ये ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, रूट वाला पॉजिटिव होगा, ये मिनिमम मिनिमम ये चीज जीरो हो सकती है जब वाई ए हो या माइनस ए। तो एक्सट्रीम पोजिशन पे, एक्सट्रीम पोजिशन पे ये वी मैक्स सॉरी वी मिनिमम जीरो हो जाता है, उल्टा लिख दिया, वी मिन और वी मैक्स उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये मैक्स है, ये मिन है, तुम समझ गए ना यार, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये वी मिनिमम है, ये वी मैक्सिमम है, यहाँ पे तुम देख रहे हो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे होती है, देखो ये वेक्टर मैक्सिमम है, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि दोनों ये भी ऐसे जा रहा है ये भी ऐसे जा रहा है, तो उसकी शैडो की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जब ये खुद यहाँ पे आ रहा होगा, जब ये खुद यहाँ पे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, ये तो भिड़ रहा है स्क्रीन से, ठीक है। यहाँ पे भी ये भिड़ रहा है स्क्रीन से, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। विजुअली भी समझ गए, बेसिकली यू हैव कैप्चर्ड इट मैन, यू हैव कैप्चर्ड इट। तुम्हें ये एक सिंपल सा इक्वेशन होता है SHM का, बट SHM को हमेशा UCM से विजुअल बनाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद तो तुम कर सकते हो यार, तुम मतलब महान हो, तुम कर लेना इसके बाद। आगे अब बात करते हैं, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की। अब तुमने ना ये निकाल लिया है, अब तुमने ये निकाल लिया है, अब मैथमेटिकली निकालता हूँ, फिर मैं विजुअली फिर से बताऊंगा, फिर से तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है ना। ये अगेन तुमने एक ऐसी चीज होगी जो तुमने देखी नहीं होगी, ठीक है, एंड यू विल बी ब्लोन अवे। इफ यू आर ब्लोन अवे, हैशटैग ब्लोन अवे इंस्टाग्राम स्टोरी पे आ जाना चाहिए, ट्विटर मेंशन पे आना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ SHM था, ये तुम्हारा एक इक्वेशन ऑफ SHM था, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तुम्हें बताता था कि तुम्हारी पोजिशन क्या है एट एनी टाइम, है ना। तो बेसिकली ये तुम्हें ये बताता था। अब तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, तो तुमने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेसिकली एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस मसाला थिंग, वट एवर दिस थिंग इज। तो ए ओमेगा ले लो, है ना, फिर ये यहाँ पे ले लो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यार, इसमें तो एक ही वेरिएबल है सर, इसमें तो एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है मुझे, एंड दैट इज टी, ठीक है, एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है। बट यार ये ओमेगा टी प्लस फाइव होता तो मजा आ जाता लाइफ में, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि कोई टेंशन नहीं है, डी टी को खसका दो, डी टी को खसका दो, है ना। पहले डिफरेंशिएट मत करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस मसाला, ठीक है। तो ये तुम लिख दो ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पे, और इसको भी लिख दो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यार अब इसको डिफरेंशिएट तुम कर पाओगे, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा तो बाहर निकल के आ जाएगा, कूद के आ जाएगा, ये भी ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा, ये भी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी दिस विल ऑल्सो बी ओमेगा, है ना। तो इसको ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि माइनस आ रहा है तो यार यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो यार यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, बहुत इजीली तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, है ना, बहुत इजीली तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। और तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि यार यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि नमो सर, ये देखो a और ये तुम्हें y देते हैं, a और ये तुम्हें y देते हैं, ठीक है। तो यार ये तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ, इसको रटने की जरूरत नहीं है, है ना, बट दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको थोड़ा और प्यार से लिखोगे तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। वाओ ब्यूटिफुल, एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ SHM। इसीलिए यहाँ से तो डेफिनेशन आती है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ठीक है, यही तो होता है। एंड दिस इज SHM, दिस इज SHM, एंड दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, जो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। गुड, ये तुम्हारा आ गया। और पता है एक इंटरेस्टिंग सी चीज, अब इसी चीज को ना थोड़ा सा भयानक वे में लिखोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जैसे एक्सेलरेशन वॉज डी टू वाई बाई डी डी टी स्क्वायर, है ना, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस फॉर्मेट, और इसी को तुम कहते हो बेसिक डिफरेंशिएशनल, बेसिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM भी कहते हैं इसको, अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना, थोड़ा भयानक फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये यही तो, इसी का दूसरा रूप है,
इसी का जुड़वा रूप है ना, इसको कहते हैं बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है, इसी का भयानक रूप है ना, समझ गए मेरी बात। तो बेसिकली अगर SHM किसी मोशन को प्रूव करना होता है तो तुम्हें ये प्रूव करना होता है कि उसका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, नेगेटिव में, ठीक है, समझ में आ गई। तो यार ये तो BDE होता है, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, जो ये फॉर्म होता है। तो दिस इज नथिंग बट दिस, इट इज द सेम थिंग रिटन इन अ भयानक फॉर्मेट, इट इज द सेम सेम, ये जुड़वा ही है एक तरीके से जुड़वा ही है, है ना। और अब यार यहां पे अब देखो, जो जो बुक में लिखा होता है वो पहले तुम्हें पूरा बता देते हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो तुम्हारा SHM हो रहा है, जो तुम्हारा SHM हो रहा है वो y इज इक्वल्स टू माइनस a और a के बीच में हो रहा है। तो यार यहां पे थोड़े और चीजें लिख देते हैं, व्हाट इज ए मैक्स एंड व्हाट इज ए मिनिमम, ठीक है, व्हाट इज ए मैक्स एंड व्हाट इज ए मिनिमम इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। तो यार ए मैक्स विल बी तुम्हारा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, है ना, ओमेगा स्क्वायर ए, एंड ए मिनिमम विल बी इक्वल टू जीरो। तुम साइन में मत जाओ, ठीक है, हम खाली इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये होगा एक्सट्रीम पोजिशंस पे, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पे इसका फोर्स मैक्सिमम होगा, जल्दी से बताओ, है ना, एक SHM का फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, एक SHM का, है ना, SHM कहाँ है, कहाँ गया SHM, ठीक है, एक SHM का, है ना, फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, उसका मैक्सिमम फोर्स होगा जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना, जहाँ पे स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगी, यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और यार यहाँ पे तो मीन पोजीशन है ना, यहाँ पे तो नेचुरल लेंथ या जो भी, मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें ये बात समझ में आ रही थी यहाँ से, हाँ इससे समझ में आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा तुम्हारा, ठीक है, और यार यहाँ पे तुम्हारा पूरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो पूरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, हमेशा विजुलाइज करके क्या करो, बट ये SHM एक्स पे हो रहा था, ये SHM एक्स पे हो रहा था, ठीक है, वो वाई पे हो रहा है, ठीक है, वो वाई पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स पे SHM कराना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, अगर x पे SHM कराना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा जैसे ये y का इक्वेशन होता है ना, है ना, तो उसमें x कर दो बस, SHM ऑन y, ये y ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है y, है ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस y, तो x पे SHM हो रहा है, x पे हो रहा है, तू तो y पे कराना, हम तो y पे कराएंगे, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। एंड द रीजन फॉर दैट y इज इन दिस लेक्चर, ओके क्लियर है, ओके इज दिस अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ गए, ठीक है, क्लियर है, इज दिस अंडरस्टूड, ठीक है। तो यार ये आपकी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई SHM की, जहां पे यार ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अब हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। और यार ये कहाँ पे हो रही है, जल्दी से बताओ, दिस इज हैपनिंग एट y इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये होती है मीन पोजिशन पे, मीन पोजिशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये होती है एक्सट्रीम पोजिशन पे, एक्सट्रीम्स पे होती है, मतलब ये होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a पे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a पे होती है ये चीज। अब नमो सर बहुत हो गया, एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, वेलोसिटी तो आपने बता दिया था सर, है ना, एक्सेलरेशन कैसे बताओगे है ना, तो चलो एक्सेलरेशन के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है हमें बताना, बड़ा ही सिंपल है, सुनना, ये फिर से वो तुम्हारी स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये जो तंत्र दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, ये तंत्र तुम्हें मिलेंगे नहीं वैसे, है ना, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है तुम्हें, और अगर मानते हो तो लिखना, हाँ सर, और मिलता रहेगा, क्योंकि अभी हम 3.0 पे आ रहे हैं, बट आई वॉज टॉकिंग टू समवन रियली बिग टुडे, है ना, टेक्निकली, तो अभी रुको, आगे आगे देखते रहो क्या होता है, ठीक है। अब अगर ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है, लेट्स से एक्सेलरेशन इज 2, सिंपल, तुम्हारी शेडो है ना, ये वाला एक्सेलरेशन ले ले, यहाँ पे तू गाड़ी को कितना ही एक्सेलरेट कर, ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेट कर, ये भी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली तेरे को पैरेलल वाला एक्सेलरेशन देखना है, पैरेलल टू द स्क्रीन एक्सेलरेशन देखना है, ठीक है, शैडो के लिए, यहाँ पे लाइट आ रही है तो बेसिकली तुझे वो वाला एक्सेलरेशन देखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो सर अब हम एक्सेलरेशन देखेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ऑपरेशन एक्सेलरेशन ऑन, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो इसके एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये टी इज इक्वल टू टी है, ये टी इज इक्वल टू टी है, ये तो लिख दिया है। बेटा एक चीज मुझे बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ UCM इज इक्वल्स टू ओमेगा ए, ठीक है, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन UCM का क्या होगा, ये ए
रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका रेडियल एक्सेलरेशन है। तो अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी शैडो की। तो बेटा यार ये बताया था ना, ये स्क्रीन है तेरा, समझ गए मेरी बात, ये स्क्रीन है तेरा। इसमें गाड़ी ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, एक ही एक्सेलरेशन है इसका, जो किस चीज़ के बराबर है, वो है इसकी वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, ये वी स्क्वायर बाय ए, वी यू सी एम का स्क्वायर है ना। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर है ना, तो इसकी वेलोसिटी पता है तुझे, ओमेगा ए, ओमेगा ए इसकी वेलोसिटी है, तो बेसिकली वी स्क्वायर बाय ए होगा है ना। अब करेंगे बेटा, सब करेंगे, वी विल डू इट है ना। तो तूने ये निकाल दिया है ना, बाय ए होगा, ठीक है। तो यार अब तू खुद मुझे बता यार ये क्या है, एट एन एंगल थीटा ये क्या हो जाता है, थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, तुझे बताया था ना थीटा क्या है, एट अ टाइम टी दिस इज थीटा है ना, थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मैंने इसको थीटा ले लिया, मैं यार ये एंगल निकालना चाहता हूँ, ये क्या है 90 माइनस थीटा है सर, ये 90 माइनस थीटा है, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का, मुझे सर ये वाला कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का, काम खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का, जो इसका भी होगा। क्या होगा ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, जल्दी से बताओ, ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा, ए आर कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। तो यार इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए आर कॉस 90 माइनस थीटा, और यार यही मेरा एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का है ना, यही मेरा एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का एट अ टाइम टी है ना। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये रिटार्ड कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, जब ये एसएचएम जा रहा होता है यहाँ पे रुक रहा होता है, फिर ये यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा होता है, हमेशा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजिशन एक्सेलरेशन होता है। चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं ना, तो बेसिकली अपन ने ये कर लिया, तो अब अपन ने लिखा है ए आर इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा है ना ये करते हैं, ए रिस्टोरिंग साइन थीटा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा ए रिस्टोरिंग साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब ए रिस्टोरिंग क्या है बेटा, ए रिस्टोरिंग क्या है ना, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, इसको यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। तो ये ए है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये ए है ना, इसका एक्सेलरेशन ए है ना। तो अब ये ए रिस्टोरिंग क्या है बच्चे, ए रिस्टोरिंग है तेरा है ना ओमेगा ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तेरा वेलोसिटी इन यूसीएम का होल स्क्वायर अपॉन रेडियस है ना, वी स्क्वायर बाय आर ए है ना, इनटू साइन थीटा। अब यार ये वी यूसीएम क्या है, ओमेगा ए है ना, तो इसको लिखो ओमेगा ए का होल स्क्वायर अपॉन ए इनटू साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, आ गया ना ओमेगा स्क्वायर ए है ना, तो ये क्या आ गया, जल्दी से बताओ ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए, बेटा जल्दी से देखो ये कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए है ना, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये कहाँ है, नीचे के डायरेक्शन में, तो इसका नेगेटिव भी लिख लेना यार, ये वही चीज़ आ गई ना, सेम चीज़ आ गई है ना, कहाँ गई यार, एक्सेलरेशन कहाँ गया, हाँ एक्सेलरेशन ये आया था ना माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ना, तो ये सेम चीज़ आ गई बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा ना, तो बेसिकली दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि तुमने विजुअली किया है तो ये नीचे के डायरेक्शन में आएगा, दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। इफ द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो बेसिकली अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव तो यार ये तेरा डाउनवर्ड में आ गया, तो तू नेगेटिव साइन खुद लगा लेना। सो दिस इज जस्ट अ विजुअल वे टू अंडरस्टैंड, ये खाली विजुअल वे है अंडरस्टैंड करने का, तुम रेफर इसको करना, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, बस ये यहीं तक था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि तुम्हें कितना समझ में आया, इसको पूरा रिवाइज करना, पहला लेक्चर मल्टीपल टाइम्स देखना। अब एक सवाल मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं फेंकूँ, ठीक है, समझो है ना, ठीक है। बट फेंकने से पहले एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता था है ना, जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है अभी तक है ना, ठीक है, एंड दैट इज टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड कि एसएचएम में टाइम पीरियड का क्या सीन होता है यार, नमो सर टाइम पीरियड का क्या सीन होता है, टाइम पीरियड का तो आपने कुछ बताया ही नहीं सर है ना, टाइम पीरियड मतलब, हाँ सुनो अभी बताता हूँ है ना। तो अगर ये एसएचएम हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड अगर निकालना है तुम्हें है ना, अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, तो ओमेगा जैसे मैंने बताया था ना, अगर तेरे को ओमेगा पता है तो तेरे को सब पता है, तुझे यूसीएम का भी ओमेगा पता है, तो ओमेगा से
ओमेगा फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ओमेगा इज 2π न्यू, न्यू से टाइम पीरियड निकाल लिया। तो बेसिकली ये इनमें से कुछ भी पता है तेरे को सब पता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये पता है तो सब कुछ पता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी अब यार ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तेरा SHM हो रहा है, ठीक है, लेट्स गो बैक इन टाइम, ठीक है, तो जब तेरा SHM हो रहा है, कुछ और फंडे बताना चाहता हूं बिफोर वी गो टू दैट क्वेश्चन। हाँ, अब जब तेरा SHM हो रहा होता है, सुन मेरी बात, तो यार यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है तेरे को, देखो सुनो ध्यान से, ये SHM वाला भाई है तेरा, है ना, यहां से लेकर देखो देखो यहां से लेकर यहां तक तेरे को T/2 लगता है, देखो T/4 लगता है, ये T/4 है क्योंकि ये तो UCM है, यहां से तू बोल सकता है ये T/4 है, ये T/4 है, ये T/4 है, ये T/4 है, कैपिटल T/4 टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम पीरियड है, तो यहां से यहां तक 1/4 टाइम लग रहा है, तो बेसिकली यहां से यहां तक 1/4 टाइम लग रहा है। बट रिमाइंड यू, जब ये 45 डिग्री जाता ना तो ये A/2 नहीं जाता, 45 डिग्रीज पे बेटा, 45 डिग्रीज पे ये A/√2 जाएगा, ये A/2 नहीं जाएगा, ये A/√2 जाएगा, यहां पे A/2 नहीं गया, A/√2 गया, तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक ये यूनिफॉर्मली नहीं जाता, समझे, ये साइन का फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली नहीं जाता। बट अगर तुम देखो यहां से यहां तक की बात करो SHM में, जब ये यहां से यहां तक जाता है तो इसको T/4 टाइम लगता है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, फिर ये जब यहां से लेकर यहां तक आता है तो SHM में यहां से तक आता है तो यार इसको भी T/4 लगता है, तो बेसिकली तुझे पता चल गया कि यहां से लेकर यहां तक T/2 टाइम लगता है, यहां से लेकर यहां तक T/2 टाइम लगता है। बट अगर तुझे बीच का बात कर, बीच की बात करनी है ना, अब तूने बोला 0 से A मेरे को T/4 लग रहा है, अब तू ये नहीं बोल सकता 0 से A/2 मुझे T/8 लग रहा है, ये मत बोल देना, लप्पड़ खाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये नहीं होना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, समझ गए, क्योंकि यार यहां से लेकर यहां तक तो साइनोसॉइडल फंक्शन है ना, साइनोसॉइडल फंक्शन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो यार देख इसको पूरा ये करने में, ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं हो रहा, ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं हो रहा, इसकी स्पीड यहां से घट रही है फिर बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये बात तुझे समझ में आ गई। तो यार यहां से लेकर यहां तक तुम ये लॉजिक लगा सकते हो, जब ये यहां से यहां तक जा रहा है तो ये T/4 टाइम है, ये T/4 टाइम है, ये T/4 टाइम है, ये T/4 टाइम है, टाइम का थोड़ा सेंस देना चाहता था, अगली क्लास में तू और बढ़ेगा अपने दिमाग से, है ना। बट उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, आई थिंक इन्फॉर्मेशन इज इनफ, दो तीन बार देखोगे तुम कभी भी SHM के फंडे तुम्हारे गलत नहीं होंगे, है ना। अब आई विल टेल यू मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम, मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम करो एक सेकंड में कर सकता है तू, एक सेकंड में कर सकता है, बट मैं चाहता नहीं हूँ तो एक सेकंड में करे। मेथड वन इज विजुअल मेथड, जो तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, मेथड वन इज विजुअल मेथड, बट जो तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट द फास्टेस्ट मेथड फॉर बट दिस इज अ फन मेथड, पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज अ फन मेथड, ठीक है। सो दिस इज एक्सक्लूसिव, दिस इज अन अकेडमी जी एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात है ना, सुनना। तो सबसे पहले यार ये तेरा SHM हो रहा है, ये तेरा UCM हो रहा है, अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर, y में करा SHM, ठीक है, 1 मीटर, ओके, वेरी नाइस सर, 1 मीटर है ना, एम्पलीट्यूड कितना है सर, 1 मीटर, बहुत ही बढ़िया, SHM का एम्पलीट्यूड है 1 मीटर, ठीक है। तो यार ये तेरा है 1 मीटर, क्लियर है, इसका टाइम पीरियड गिवन है, तो ओ माय गॉड सर, टाइम पीरियड गिवन है सर, विच इज 11/7, π/2 है बेसिकली, 11/7, मैंने क्या बोला था, इसके चट्टे बट्टे कौन से होते हैं, ओमेगा एंड न्यू, इसके चट्टे बट्टे ना ये है ना, तो बेसिकली अब तुमने क्या लिखा यहां से, ये पता है तो सब कुछ पता है, तो ओमेगा निकाल ले, इसका ओमेगा आ जाएगा, लाइफ में थोड़ी शांति आएगी हमारी, है ना, ठीक है, ओमेगा निकाल लेते हैं, तो इसका जो ओमेगा है वो क्या आएगा देखते हैं, इस टाइम पीरियड से, इसके टाइम पीरियड से ओमेगा भी आ जाएगा, चलो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा हो जाएगा 2π/T, क्यों 2π/T, क्योंकि ओमेगा इनटू टाइम पीरियड 2π रेडियन होता है ना, ओमेगा है ना, तो समझ गए मेरी बात, ओमेगा इज 2π(ν) या 2π/T, ठीक है, वो आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर तुमने ये ओमेगा निकालना चाहा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 अपॉन 11/7, तो बेटा यार यहाँ से क्लियरली ये 2 से जाएगा, ओमेगा तेरा 4 आ जाएगा, 4 radians per second, वाओ, तेरे को 4 मिल गया, ये बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन इट इज एट y = है ना, y = बट हम साथ साथ ये भी करा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं तेरे को ये विजुअली कराना चाहता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो, नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ से तेरा दिमाग असल में डेवलप होगा। तो देख, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट व्हेन विल दिस पार्टिकल, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जब ये पार्टिकल यहां पे होगा,
y इज इक्वल्स टू 0.6 पे होगा ना, तो तेरे को बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो तेरे को बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। उस टाइम पे तेरा UCM क्या कर रहा होगा, UCM वुड बी फूलिंग अराउंड हियर, है ना। जब ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ऊपर नीचे कोई सा भी ले लो, इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये इसका कंपोनेंट होगा एक, है ना। तो इसकी वेलोसिटी, समझ गए ना मेरी बात, तो यार इसकी वेलोसिटी क्या होगी जल्दी से बताओ। ओमेगा ए, ये तो सिंपल सा वो मोशन कर रहा है सर, ये तो ओमेगा ए होगी वेलोसिटी सर, इसकी वेलोसिटी तो ओमेगा ए होगी, ठीक है। लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज, है ना, लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज वी वन, इस वेलोसिटी को मैंने वी वन बोल दिया, है ना। ये ओमेगा ए कितना आएगा, ए तो तेरा वन है ना, ये फोर है, वन मीटर है, ये फोर रेडियंस पर सेकेंड है, तो ये फोर मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी ये वेलोसिटी, ये आ गई तेरी फोर मीटर्स पर सेकेंड, फोर मीटर्स पर सेकेंड। सर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये निकाल लिया। नमो सर मुझे ये भी पता है कि यार ये पता है क्या है, ये 0.6 मीटर है। अब अगर मैंने ये ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, तो पता है सर, अब पता है क्या होगा, अब एक बहुत ऑसम चीज़ होगी सर, अब एक बहुत ऑसम चीज़ होगी, ये तुम्हारे विजुअल लर्निंग में इंटरफेयर करेगा, बताता हूँ क्यों, है ना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यार, ये देखो ये वन हो गया नमो सर, ये वन हो गया, ये आपका 0.6 हो गया। लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा, लेट्स कॉल दिस एंगुलर पोजिशन एज थीटा, ठीक है। ओमेगा तुम्हारा 4 है, ठीक है। तो सर ये थीटा तो बहुत आसानी से आ गया ना मेरा, साइन थीटा इज 0.6 बाय 1 विच इज 3/5। सो सर मेरा थीटा तो 37 डिग्री आ गया, मेरा थीटा तो 37 डिग्री आ गया। ये वेलोसिटी जो मुझे निकालनी है, इसको मैंने v बोल दिया, इस वेलोसिटी को मैंने v बोल दिया, लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी v। तो मैंने क्या बोला, 4 cos थीटा इज v। व्हाट इज v, v इज v1 cos थीटा, उसी फंडे से, शैडो वाले फंडे से ना। देखो, ये थीटा है तो तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे, 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्रीज है, तो यार ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो बेटा ये वाली जो कंपोनेंट होगी, ये हो जाएगी v1 cos थीटा, और यार ये हो जाएगी v1 sin थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो शैडो में ये वाली वेलोसिटी मैटर नहीं करेगी, ये वाली पूरी आ जाएगी, ठीक है, ये वाली पूरी आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली इस फंडे से तुमने क्लियरली बोल दिया ये चीज, v इज इक्वल्स टू 4 cos 37 डिग्रीज, 4 इंटू 4/5 या 0.8, 3.2 मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज द विजुअल मेथड। ये विजुअल तरीका है इसको करने का, ये सोल्यूशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट पता है, इस सोल्यूशन को देख के तो काफी सारे लोग तुम्हें मॉक कर देंगे, तू ऐसे क्यों कर रहा है यार, ये तो सिंपल है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसकी ब्यूटी अलग है, तुम समझ नहीं सकते इसकी ब्यूटी, और तुम्हें इसकी ब्यूटी कब समझ में आएगी मैं बताऊंगा, ये मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, कौन से सेकंड या थर्ड लेक्चर ऐसा आएगा जब तुम्हें इसकी ब्यूटी समझ में आएगी जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। इसकी ब्यूटी तभी समझ में आएगी जब बहुत खतरनाक सवाल होगा ना, जो तुमसे ऐसे हिलेगा नहीं, है ना, तुम्हारी औकात, किसी की औकात नहीं होगी उसको वैसे करने की, ना। मतलब मैं बता रहा हूं, उसका सोल्यूशन तो मुझे आज समझ में ना आए अगर मैं देखूं तो मैथमेटिकली, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि कैसे तुम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है। तो यार ये एक मेथड वन है। मेथड टू क्या है सर, हमें निकालना है सर वाई इज इक्वल्स टू 0.6 पे, वेलोसिटी हमें ये निकालना है सर, सर एक फॉर्मूला हमें याद है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, ओमेगा ए, ए स्क्वायर, सारे फॉर्मूले एक्स से रिप्लेस कर देना अगर एसएचएम एक्स में हो रहा है तो, ठीक है सर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ओके। टाइम पीरियड गिवन है सर, टाइम पीरियड इज गिवन है 11/7। सर ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा, हाँ ए गिवन है 1, चलो बहुत ही बढ़िया, ए गिवन है 1। ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा कितना होगा 2π/T T, ठीक है। तो यार यहाँ से ओमेगा आ गया तेरा 4, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यार यहाँ से तेरा ओमेगा आ गया 4। नाउ यू आर गोइंग टू डू सम आक्रमण, ठीक है, ये आक्रमण अब तो बच्चा भी निकाल देगा ना। बस ये ब्लाइंड मेथड है यार, बट यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, यू शुड नो दिस, मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी दिमाग नहीं चलाना, नहीं पेन उठाना, तो ये कर सकते हो, दिस इज अ गुड वे, ठीक है। यू विल अप्रिशिएट बोथ, इफ यू अप्रिशिएट बोथ राइट इट इन द कमेंट्स दैट यू अप्रिशिएट बोथ, ठीक है, ओके। ओमेगा, और अगर मजा आ गया तो बेटा इंस्टा स्टोरी पे आज आ जाना चाहिए, ठीक है ना, तो तुम्हें म्यूजिक हमारा पता है ऑलरेडी, ठीक है, चलो ग्रेट। सो दिस इज ओमेगा, है ना, ओमेगा क्या है, ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा 4 ए स्क्वायर माइनस, है ना, तो ए क्या है तुम्हारा 1 स्क्वायर
माइनस वाई क्या है 0.6 का होल स्क्वायर, ठीक है 0.6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है कुछ भी लगाओ यार तुम्हारी मर्जी, 0.36 ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, 0.36 बचा क्या 64, ओ माय गॉड यार ये तो बहुत सिंपल हो जाता है 36 64, ठीक है तो ये तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 का स्क्वायर है ना अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2, ठीक है समझ गए। वैसे यार ये चीज़ एकदम से तुम ना पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, तुम बोलोगे यार ये तो पाइथागोरस, ये 37 डिग्री वाला ट्राइंगल है सर, ये 6 8 10 वाला, 6 8 10 वाला 0.1x कर दो उसको, है ना तो ये 10 होता है तो इसको 1 कर दो, है ना इसको 0.6 कर दो तो ये 0.8 होता है ना, ठीक है तो ये 6 8 10 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, तो इससे भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, अरे दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर हो रहा है तो ये तो यही होगा ना, ठीक है क्लियर। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। सो गाइज दैट वॉज अबाउट इट। और अगर अब तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है ना, और अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया, तुम्हें लग रहा है कि दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड सर, हमने ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा, ऐसे चंद तो हमारे लिए सिंपल नहीं था और अब बहुत सिंपल है और विजुअल है, तो बेटा एक चीज जरूर करना, पहले तो अपने भाई बंधुओं को बता देना और इस शेड्यूल को मेंटेन करना, क्योंकि इस पूरे वीक मैं SHM कंप्लीट करा दूंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी सिंपल, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छी तरह करा तो मैं तुम्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे लेके जाऊंगा। तुम्हारा ड्रीम पता है ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है मेरा, वेव्स कभी इंटरेस्टिंग था ही नहीं हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में, तुम कोई भी लेक्चर उठा के देख लो यूट्यूब पे, है ना को यूट्यूब पे या कहीं पर किसी भी रिसोर्स में, पेड रिसोर्स मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स, तुमने वेव्स को इंटरेस्टिंग बना ही नहीं सकते। मैंने JEE पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेव्स को बहुत ही ज्यादा विजुअल और प्रैक्टिकल बनाया है, ठीक है तुम 1.0 में देख सकते हो, 2.0 में आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इवन ऑन दैट, बट ट्रस्ट मी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू बीट इट, मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको बीट करने के लिए 2.0 को, है ना 2.0 में। तो यार डेफिनेटली, और 3.0 में तो मेरे को अभी से ही बुखार आ रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट ये जो अगली वाली इन्फॉर्मेशन है ना ये आपको बहुत आगे पहुंचाएगी, बट यार इसको शेयर जरूर करना और दिल बनाते रहना, लाइक करते रहना, और बेटा इंश्योर करना हिंदुस्तान में हर जना ये SHM का लेक्चर देख ले, इट शुड बी सिंपल फॉर एवरीवन। एंड यार ये तुम्हारा मतलब बनता है यार, ठीक है बनता है, फेसबुक के स्टेटस पे शेयर करो तुम, है ना पापा मम्मी के फोन से भी शेयर करवाओ, ठीक है बट शेयर जरूर करवाना, क्योंकि कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। अब यार ये प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस शेड्यूल, बिकॉज इसको हम फॉलो करते रहेंगे और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, कल अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे इसका, तो आप आ जाना इसी टाइम पे एवरीवन। तो जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है स्केड्यूल। वन थिंग इज कि मंडे टू वेंसडे, बेटा मंडे टू वेंसडे है ना जे लाइव डेली की क्लासेस होती है 2.0 की, 11th की होती है 7 8 9 बजे, 12th की होती है 4 5 6 बजे, दिस इज मंडे टू वेंसडे। उसके अलावा थर्सडे टू सैटरडे है ना, थर्सडे टू सैटरडे आपके 12th के लेक्चर्स होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 12th के लेक्चर्स होते हैं उसी टाइम पे, ठीक है तो जे लाइव डेली जाता है, बट यार ऐसा नहीं है कि 11th 12th के लिए मतलब खाली 3 दिन 11th फिर 3 दिन 12th, ऐसा नहीं है, है ना बेसिकली मंडे टू वेंसडे 11th की ये क्लासेस होती हैं, मतलब लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डेली, और थर्सडे टू सैटरडे 4 5 6 बजे उन्हीं जो भी आपको पढ़ाया होता है उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, जेई लाइव डेली जाता है आपके लिए, 6 दिन जाता है, 7वें दिन संडे को हम कुछ स्पेशल करते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन से रिलेटेड, तो यार ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स, कि आप कि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो, सारे नोट्स आपको मिलते रहे, तो यू कैन जस्ट सर्च, आप हम सबको भी सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी जेई को सर्च कर सकते हो, गो टू द टेलीग्राम चैनल्स एंड अभी के अभी इनको फॉलो कर लो या इस लिंक पे आप ढूंढ लेना, ठीक है बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल फॉर श्योर। उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड, इनिशियली मैंने आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताया था, उस पर भी आप आ सकते हो। उसके अलावा यार ऐसा पहली बार हुआ है 17 18 सालों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों ये एक गोल्ड माइन है, ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि यार यहां पे सारे लेक्चर्स सारे नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 12th एक वेबसाइट पे है। बेटा अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है और आप हिमालय पे भी हो ना, तो आप मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनकी डिजिटल वीडियो बुक को एक्सेस कर सकते हो, इसमें सब कुछ है, IIT JEE का सब कुछ है। 1.0 के कंटेंट को हमने बीट किया है 2.0 में, 2.0 ऊपर है, 1.0 के भी सारे लेक्चर्स नीचे हैं, तो बेटा सो यू कैन फॉलो 2.0 फ्रॉम हियर, और अगर कोई चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है तो आप 1.0 में भी देख सकते हो उसको, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू गो फॉर 2.0 बिकॉज इट इज बियॉन्ड कंपेयर, आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है। 9 लाख बच्चे JEE देते हैं बेटा हर साल, 9 लाख बच्चे JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन नोट्स को डाउनलोड करते हैं और इन लेक्चर्स को देखते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है 17 18 सालों में। नमो सर आंसर दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ, नमो सर क्या मैं JEE क्रैक कर सकता हूं उससे, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं इस कॉन्टेंट से, बेटा
आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो उस कंटेंट से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट ए इन द लास्ट टू लास्ट ए केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। तो यार ये एक डिजिटल वीडियो बुक है, अब यार इसमें कोई खामी है क्या? हाँ बेटा, आप यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए कभी पे नहीं करना चाहिए, नेवर इन योर लाइफ पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन डिजर्व्स फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी को एजुकेशन, जो आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब पे दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, इट्स ऑल आउट देयर। और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ जाओ, यूज द कोड नमो या नमो लाइफ टू गेट ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म राइट नाउ, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से ये हो चुका है। तो यार मतलब अगेन प्लीज इंश्योर कि आप सब लोग अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ठीक है? वी हैव डन इट एंड नाउ यू ऑल, और बट अगेन वहां पे आप इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल मतलब फुल फ्लेज्ड पढ़ना चाहते हो विद प्रॉपर इंटरेक्शन इन अ लाइव क्लास एनवायरमेंट विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना, अगर आप चाहते हो कि यार इन टॉप टीचर से, इंडिया की टॉप टीम से मैं पढ़ना चाहता हूं पर्सनलाइजेशन के साथ, कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहता हूं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आने में देर मत करना। यहां पर आपको एक लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है जहां पर पोल्स, लीडर बोर्ड, डाउट सॉल्विंग, इंटरेक्शन, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। ऐसा आपको कहीं नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, इट इज अबाउट किस कंटेंट से वो इंटीग्रेटेड है। तो यार ये इंडिया का टॉप कंटेंट है, तो इट इज द क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट। तो अनअकैडमी अगर ये गोल्ड माइन है तो बेटा ये एक डायमंड माइन है। बट यार सारा रोना क्या है, नमो सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, सब उसकी बात करते हैं, इंडिया के सारे टॉप ऑथर्स, सारे टॉप टीचर्स, इंडिया की टॉप टीम वहां पे पढ़ाती है, बट सर ये पेड है। बेटा अब मैं बताना चाहता हूं अनअकैडमी का अब एक फ्री प्लान भी तुम अनलॉक कर सकते हो विद द कोड नमो एंड नमो लाइव, ठीक है? या मतलब कोई भी कोड यूज कर सकते हो, बट द थिंग इज कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जब आप अनलॉक करोगे, है ना, उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पेड क्या है, और उसके बाद जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं, बेटा पूरा सब कुछ पुख्ता सोल्यूशन है। वीकली टेस्ट सीरीज होगी, हर वीक इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज होगी। क्या उसको इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं? हाँ। क्या वो जेई को सिमुलेट करता है? हाँ। क्या नमो सर उसमें मुझे अपनी रैंकिंग एक तरीके से मिलेगी टॉपर के साथ? क्या मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसे 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 इंप्रूव कर रहा हूं? किलर विजुअलाइजेशन ऑफ माय ओन परफॉर्मेंस पता चलेगी? क्या मैं गलती कर रहा हूं वो सब पता चलेगा? एब्सोल्युटली पता चलेगा। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस, एवरीथिंग इज देयर, हर बैच का सब कुछ मिलेगा। और बेटा जो एक चीज अनअकैडमी ने महान की है वो की है कि इस इंडस्ट्री का ट्यूबरक्यूलोसिस मार दिया है। टीचर चेंज और बैच चेंज आज के बाद कभी नहीं होगा। द रियल डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इज राइट हियर। 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100 प्लस लाइव बैचेस। इंडिया की नंबर वन टीम आपको यहां पे पढ़ाती है, जेई लाइव डेली की टीम। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो टीम है जिसने पिछले साल 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था। आज डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इनको फॉलो करते हैं, एंड दैट इज वाई दिस इज द टॉप टीम जो आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में यहां पे 1 ईयर, 2 ईयर एंड ड्रॉपर्स के मतलब बैचेस में पढ़ाती है। तो आप खुद अपने बैच को चूज कर सकते हो। कोई बोलेगा कि मुझे तो जेई लाइव डेली के बैच से पढ़ना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे साथ साथ कोटा के टॉप एजुकेटर से भी पढ़ना है। बेटा यहां पे बंसल का बैच है, यहां पे वाइब्रेंट का बैच है, यहां पे आप ये सोचो न्यूक्लियस एंड द फाइनेस्ट कोटा के जो टॉप बैचेस और टॉप इंस्टीट्यूट थे उन सबके सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पे पढ़ाते हैं, जैसे कि डीसी पांडे सर, नरेंद्र अवस्थी सर, एमएस चौहान सर, ऑथर्स ऑफ सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रिस्निक हैलिडे, थॉमस कैलकुलस, वाइले, जीआरबी, यू नेम इट वी हैव इट, श्री बालाजी पब्लिकेशन। बेटा इतनी इतनी किताब है, इनको इंटू थ्री कर लो, इन सब के ऑथर्स यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाते हैं, आप इनसे साक्षात पढ़ सकते हो, एंड दैट इज वाई अनअकैडमी इज नंबर वन, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। इसीलिए अनअकैडमी हमेशा अव्वल रहेगा, इसीलिए बच्चा बच्चा गांव गांव में अनअकैडमी को प्रमोट करता है। बेटा और जो मैं हमेशा बताता हूं बेटा, अनअकैडमी ने जो सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया आपके लिए, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। और अफोर्डेबल ही नहीं बेटा, फ्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे सब कुछ ऑलरेडी है, अनअकैडमी में बस आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, अपने सितारे बढ़ा सकते हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेटर्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट सो एवर, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप या लाइफ चेंजिंग ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल कर लो, और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर लो विद द कोड नमो या नमो लाइव। बोथ आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू, और बाय द वे अगर आप अनलॉक करोगे तो बाद में आप कभी प्लस या आइकॉनिक में अपग्रेड करते हो तो आपको पता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अनलॉक द फ्री प्लान राइट नाउ विद द कोड नमो, ठीक है?
उसके अलावा ये भी बताना चाहता हूँ कि यार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया आपने, फिर यार आपको स्टेप्स पता है, आप तो स्मार्ट हो ही है ना, ठीक है, यू गो टू प्लस, यू सेलेक्ट योर गोल IIT JEE या नीट, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका गोल है, उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, यू आर नाउ यू आर वन स्टेप अवे। उसके बाद देखो फ्री प्लान में तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें मिलेगी, उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे ना, है ना, तो देन इन दैट केस बेटा देर आर मल्टीपल प्लान जो आप ले सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं, है ना, अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पहली चीज, आप 9th में हो, 10th में हो, अर्ली स्टार्टर हो, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो आपके लिए तो क्रैक करना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो या नमो लाइव, है ना, इस कोड को यूज करने का फायदा यह है, क्योंकि यार ये हमारा वे है आपको सोसाइटी को वापस देने का। तो यार एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, दिस इज आर वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू शुड ऑल फील प्राउड टू यूज इट। पहली चीज, जब भी आप ये कोड यूज करते हो तो आपको प्लस और आइकॉनिक, है ना, फ्री पहला लेवल है, यूट्यूब फ्री एंड देन प्लस एंड आइकॉनिक, दोनों पे आपको मैक्सिमम JEE हो ना या नीट, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा बेटा। ये एक साल और 2 साल के प्राइसेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना, ये 6 महीने के प्राइसेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये 1 साल के हैं और ये 2 साल के हैं, तो ये मत सोचना ये प्राइसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको गांव गांव में बच्चा बच्चा अफोर्ड कर सकता है अगर आप इसका पर मंथ कॉस्ट देखोगे। पहली चीज, एंड दिस इज द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गेट। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप किसी भी एक झुंड में, बेटा यू कैन एक्चुअली कलेक्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू कैन आस्क देम कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स कहां पे, वो आप कर सकते हो, यू शुड एक्चुअली डू इट, है ना। तो अब यार ये आपको समझ में आ गया, उसके अलावा नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी आर इन द एंड गेम नाउ। सबसे पहली चीज, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा, अगर आप बाय चांस लेट हो गए, आपके पास खाली 6 महीने हैं, तो देन इन दैट केस यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन, वरना बेस्ट है कि आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लो। ये उनके लिए ही अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आ रहे हैं इन द लास्ट मोमेंट, 1 मंथ और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा किफायती पड़ते हैं, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो, एक आप पॉजिटिव केस लेके चलो कि आप 1 साल में ही इसको क्रैक करने वाले हो, तो आप 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा, 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा जो 12th में है या जो ड्रॉप कर रहा है। उसके अलावा नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बेस्ट केस 11th में, अगर आपने 11th में कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की है एंड अगेन यू वॉन्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट गो, 2 साल में आपको प्रॉपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे पर्सनल कोच, और मतलब अगेन इट इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस, और अगर आपको लगता है नहीं यार आपको प्लस लेना, तो आप प्लस भी ले सकते हो एंड बाद में आइकॉनिक में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें यार ये फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बट अगेन अगर आप कोई भी, इफ यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर 11th वाले बच्चे। अगर कोई लेट हो गया है तो वो ये वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है 6 महीने का, है ना, इनमें से आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये ले लेंगे, है ना। उसके अलावा नाउ दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 24 मंथ्स नहीं है और 12 मंथ्स नहीं है, जैसे लेट्स से 17 मंथ्स है, तो भी आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, अगर आपके पास 12 नहीं है जबकि 15 महीने बाकी है, तो भी आप ये वाला सब्सक्रिप्शन, समझ गए ना मेरी बात, टेक द हायर वन। अब एक और चीज है यार, ये वाला सब्सक्रिप्शन आई वुड रेकमेंड, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट है उस बच्चे के लिए जो 10th में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 10th में स्टार्ट कर रहा है, तो वो 10th का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है 1 साल का, उसमें वो 11th पढ़ेगा, थोड़ा सा 11th पढ़ेगा बेटा, बहुत सुपीरियर एज मिलती है, जो बच्चा 9th में 11th कर ले और जो 10th में 12th कर ले, है ना, तो यार उसको बहुत सुपीरियर एज मिलती है, NTSC STSC KVPY जैसे एग्जाम जैसा बच्चा फोड़ता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लाता है हिंदुस्तान के लिए, IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाता है, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाता है, IIT में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक्स लाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, नेवर बी इंपेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स, विनर्स हमेशा एक चीज करते हैं, दे स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो यार ये 10th वाला बच्चा, और 9th में अगर तुम लेना चाहते हो कुछ तो तुम ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो, 6th, 7th, 8th के बच्चे YouTube पे ऐश करो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने में जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, अगेन अगर कोई आइकॉनिक नहीं लेगा तो ये ले लेगा, बट दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, वो आप देख सकते हो आपको जो बेस्ट लगे, और अगर आपको लगता है कि यार ये एक टाइम में पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बेटा नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हो, तो डेफिनेटली इसके बारे में और लोगों को मदद करना, एंड प्लीज एजुकेट एवरीवन अबाउट दिस, बिकॉज आई कीप गेटिंग दिस सो मच ऑन माय सोशल मीडिया कि हमें आप सबको एजुकेट करना पड़ता है इसके बारे में, तो डू, बट अगेन
कुछ देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टुडे यू हैव टू स्टिल डू वन थिंग, है ना, यूज द कोड एंड अनलॉक योर फ्री प्लान एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि आप एक डायमंड माइन में एंटर कर रहे हो, और जब आप श्योर हो जाओ तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप अनलॉक करोगे तो आप देखोगे कि यार दिस कोड विल हेल्प यू गेट अ डिस्काउंट लेटर ऑल्सो, तो जब आप अनलॉक करो तो यू कैन यूज द कोड नमो या नमो लाइफ, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी कॉम्बैट जो सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन है ये हर, और बाय द वे मैं बताना चाहता हूं ये हर 15 दिन में होता है, हर सेकंड संडे को होता है। तो अगेन डेफिनेटली लिंक नीचे गिवन है, इंडिया का सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन ऑफ फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स, उसको अनलॉक कर लो अभी के अभी। एंड द इनवाइट कोड इज, इट इज इनवाइट ओनली, इनवाइट कोड इज नमो लाइफ, नमो या नमो लाइफ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो अभी के अभी, कर लो ये तो, है ना, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अभी के अभी अनअकैडमी कॉम्बैट में आ जाओ, अभी के अभी अनअकैडमी के फ्री प्लान में आ जाओ एंड यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहो, ठीक है। और कभी भी अगर आपको लगता है कि यार हमें नमो सर का, समीर सर का, और या यहाँ की जो टॉप टीम है इससे हमें पढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइजेशन मिलेगा और गाइडेंस और मेंटोरशिप मिलेगी फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में एक अमृत की तरह है। बस यार एंड में एक ही चीज बोलूंगा यार, ये जरूर करना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग विच हमारे हार्ट्स बीट करते हैं इसके लिए, आर हार्ट्स रियली बीट फॉर दिस। #JEELiveDaily से इसको जल्दी ये शेयर कर देना, क्योंकि कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बड़े ना बड़े ये रेवोल्यूशन बनना चाहिए। और यार जब इसको आप शेयर करो ना तो आप डेफिनेटली यार आप मुझे टैग भी जरूर कर देना, दिस इज माय आईडी बच्चों, दिस इज माय आईडी ऑन Instagram, ऑन Twitter, ऑन Facebook, हर जगह यही आईडी है डेफिनेटली। स्पेशली Instagram पे तो आप मुझे स्टोरी में टैग करना है इसमें, आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सो डेफिनेटली #JEELiveDaily के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, मतलब समथिंग अबाउट दिस लेक्चर विच यू रियली रियली लाइक, and definitely do tag me and thank you so much for making me one of the most loved, one of the most viewed and one of the most followed teachers in the country across platforms, across goals, and I love you for that, theek hai। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, मतलब मैं क्या बताऊं यार, है ना, इनका मतलब इनको खत्म कर दो, है ना, ये सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब का जो शेयर, आपको पता ना सब्सक्राइब और शेयर बहुत आसपास होते हैं, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, दिस इज द गुड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड डेफिनेटली गुड नाइट, टेक केयर, एंड वी वुड लव टू सी यू ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म, वी वुड लव टू सी यू इन अ मच मोर पर्सनलाइज मैनर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो सी यू इन माई क्लासेज ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म इज वेल, जहां पर आप बहुत ज्यादा फन करोगे, जहां पर मतलब अगेन यू विल नो योर लेवल, यू विल एक्चुअली इंप्रूव, क्योंकि वहां पे आपको एक स्केड्यूल मिलेगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, यूट्यूब से भी आप क्रैक कर सकते हो, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर आपको लगता है नहीं नमो सर मुझे तो फ्री में क्रैक करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूट्यूब पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर एंड आई एम विथ यू, द एंटायर टीम इज विथ यू, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।